हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेक माय एग्जाम एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आईबीटी। तो दोस्तों रोज की तरह आप सभी का स्वागत है आपके शो के अंदर जिसका नाम है करंट अफेयर्स द वेकअप शो विद कुमार संभव। लेकिन आज रोज की तरह हम डेली करंट अफेयर्स को ना करके जिस तरह से हमने जनवरी महीने, फरवरी महीने और मार्च महीने के करंट अफेयर्स को, पूरे महीने के करंट अफेयर्स को, मंथली करंट अफेयर्स को खत्म किया, तो अभी जनाब 5 मई आ चुकी है। और 5 मई आने के बाद जैसा कि आपको पता है हर महीने के 4 या 5 तारीख को हम पिछले महीने का करंट अफेयर्स जो है उसको जरूर पेश करते हैं, जिससे आपका पिछला महीना जो है वो अच्छे से रिवाइज हो सके। करंट अफेयर्स जो है वो ओनली एंड ओनली रिवीजन के ऊपर बेस्ड है, जितना आप रिवाइज करिएगा उतनी सारी चीजें आपको याद रहेंगी। तो आज मंथली करंट अफेयर्स के अंदर अप्रैल महीने के हम सभी करंट अफेयर्स को बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे, उनको सेगमेंट्स में बांट रखा है और बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे न्यूज हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं और आपसे हमेशा की तरह एक सहयोग की अपेक्षा। और इसी के साथ मैं अपने अंदाज में आप सभी का स्वागत करता हूं, जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं उन सभी का धन्यवाद और जितने भी नए स्टूडेंट्स आज हमारे साथ जुड़ेंगे उन सभी का स्वागत और सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार। जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, समय को बिल्कुल जाया नहीं करेंगे। आपके कमेंट्स और सजेशंस बहुत मायने रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश आज मैं आपके कमेंट्स और सजेशन ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा। उसका कारण यह है कि अप्रैल महीने की खबरें बहुत ज्यादा है, लेकिन आप जो भी स्टेट के न्यूज आए उस स्टेट का क्विक फैक्ट्स बोलिएगा, जिस भी कंपनी की बात आएगी उसके क्विक फैक्ट्स के बारे में बोलिएगा। मतलब आपको क्विक फैक्ट्स और कुछ क्वेश्चंस बीच में पूछता रहूंगा, वो आपने जरूर बोलना है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इस लाइव चैट को बाद में रीप्ले करके जरूर देखूंगा और कोशिश करूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप सभी का अप्रिसिएशन कर सकूं। जी हां, आप यहां पर लाइव चैट के अंदर मेरे क्वेश्चंस का उत्तर देते रहिएगा और मैं वादा करता हूं कि कमेंट बॉक्स के अंदर आपका नाम मैं जरूर लिखूंगा, मेंशन जरूर करूंगा। तो तहे दिल से आपका धन्यवाद, जल्दी से इस लाइव चैट को शेयर कर दीजिए और हम चलते हैं मंथली करंट अफेयर्स की तरफ। 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल ये ध्यान में रखते हुए कि अगला शो जो है 8 बजे है और हमें इस शो को जल्दी से जल्दी खत्म करना है। तो बढ़ते हैं नेशनल न्यूज की तरफ, भारत की ताजा खबरों की तरफ जो अप्रैल महीने में हुई। और पहली खबर हमारे सामने, रूपाश्री स्कीम लॉन्च बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट फॉर दी मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स। तो ममता बनर्जी की सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार ने रूपाश्री नाम की योजना को शुरू किया लड़कियों के लिए, जहां पर लड़कियों की शादी के लिए एक मुश्त रकम दी जाएगी और वो रकम कितनी होगी, वो अमाउंट कितनी होगी, ₹25,000। तो यहां पर जिन परिवार की इनकम अप टू ₹1.5 लाख तक है, मतलब जिन फैमिली की इनकम 1.5 लाख रुपया तक है, उन परिवार की लड़कियों की शादी के लिए ममता बनर्जी की सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार, रूपश्री योजना के तहत कितने हजार रुपए देगी, 25,000 देगी। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल अमित मित्रा, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का नाम ममता बनर्जी है और वहां के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर का नाम अमित मित्रा, हैज लॉन्च रूपाश्री स्कीम टू इंश्योर सेफ फ्यूचर ऑफ यंग गर्ल्स। द स्कीम विल बेनिफिट अबाउट 6 लाख वुमेन विद बजटरी ग्रांट ऑफ ₹1,500 करोड़। तो जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं कि लड़कियों की शादी के लिए, कि लड़कियों की शादी के ऊपर जो एक बोझ पड़ता है, एक बर्डन आता है, फैमिली बर्डन समझती है, तो पश्चिम बंगाल सरकार उन परिवार के बर्डन को हल्का करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी लड़कियों के उत्थान और विकास के लिए ममता बनर्जी सरकार ने कन्याश्री स्कीम को लॉन्च किया था और कन्याश्री स्कीम के अंदर भी ठीक 25,000 रुपए की रकम दी जाती थी, किस चीज के लिए, हायर स्टडीज के लिए, जो लड़कियां उच्च अध्ययन करना चाहती थी, स्नातक, स्नातकोत्तर, मतलब बीए, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे हम बोलते हैं, अगर वो करना चाहती थी उनके लिए भी उनको 25,000 रुपीज की रकम दी जाती थी और यहां पे रूपाश्री जो है उनकी शादी के लिए ये रकम। तो रूपाश्री योजना किस सरकार से रिलेटेड, वेस्ट बंगाल। अगली खबर की तरफ चलेंगे, केरला टू होस्ट एशियाज लार्जेस्ट स्टार्टअप कॉन्क्लेव। तो देखिए स्टार्टअप बार बार वर्ड आ रहा है, नए विचारों के साथ, नए इनोवेशंस, नए आइडियाज के साथ जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करे उसे एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप कहते हैं। तो एशिया का लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम कॉन्क्लेव, देखिए एशिया का लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम कॉन्क्लेव, उसका नाम था हडल केरला। इस हडल का मतलब क्या होता है, इस हडल का मतलब होता है भीड़, एक भीड़,
और एक जमावड़ा जिसको कहते हैं, इसको हम बोलते हैं हडल केरला, इज ऑल सेट टू बी हेल्ड एट कोवलम. तो ये कहां पर हुआ? कोवलम केरला में. सीएम ऑफ केरला पिनराई विजयन विल इनॉग्रेट दिस कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड बाय केरला स्टार्टअप मिशन इन एसोसिएशन विद इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया. तो केरला स्टार्टअप मिशन को शॉर्ट फॉर्म में कुसुम बोलते हैं और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI के सहयोग से हडल केरला नाम का एशिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम कॉन्क्लेव जो है वो केरला में आयोजित किया गया, केरला के कोवलम में आयोजित किया गया. तो जैसा मैं बता रहा हूं कि केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, केरला के सीएम का नाम पिनराई विजयन, केरला के गवर्नर का नाम क्या है? तो केरला के गवर्नर का नाम है पी सतशिवम. केरला के अंदर साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क. इसी तरह से जितने भी राज्यों के नाम आएंगे, आपने उसका क्विक फैक्ट्स और जितनी भी चीजों के, जिस तरह से हम रोज करते हैं ना, आपको जस्ट वैसे ही पार्टिसिपेट करना है. और जैसा मैंने वादा किया, मैं बाद में लाइव चैट को जरूर देखूंगा रिप्ले करके, और उसके बाद आपके कमेंट बॉक्स के अंदर आपका नाम लिखने की जरूर कोशिश करूंगा, आपको अप्रिशिएट जरूर करूंगा. नेक्स्ट न्यूज, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट बिल, जो है उसको पेश किया है. तो मानव अधिकार संशोधन बिल, तो देखिए, अ मीटिंग ऑफ यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी अप्रूव द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट बिल फॉर बेटर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. तो मानव अधिकार के बहुत बेहतर सुरक्षा और हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए, विकास के लिए ह्यूमन राइट्स के अंदर संशोधन की बात करिए. और ह्यूमन राइट एक्ट कब आया था? 1993 में. उसके अंदर संशोधन का एक बिल, एक मसौदा जो है उसे पेश किया गया है. अब वो एक्ट के तौर पर जरूर बनेगा. द बिल विल एम एट स्ट्रेंथनिंग द ह्यूमन राइट्स एंड ब्रिंगिंग द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ इन इंडिया टू अ कंपनी विद ग्लोबल स्टैंडर्ड. तो वैश्विक स्तर से मेल करने के लिए, वैश्विक स्तर के बराबर आने के लिए यह संशोधन किया गया है, जहां पर बिल प्रपोज टू इंक्लूड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. तो यहां पर जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, नेशनल कमीशन फॉर SC है, नेशनल कमीशन फॉर ST है, नेशनल कमीशन फॉर अगर हम बोले माइनॉरिटीज है, तो यहां पर एक और नेशनल कमीशन को सेटअप करने की बात कर रहा है ये अमेंडमेंट बिल, और वो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट. बाल अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक राष्ट्रीय कमीशन का गठन करने की बात इस बिल के अंदर है, एंड एड अ वुमेन मेंबर इन द कमीशन, और इस कमीशन के अंदर, इस आयोग के अंदर एक महिला भी होंगी, ये बात करी है. अगली खबर की तरफ चलेंगे. कोल मिनिस्ट्री लॉन्चेस उत्तम ऐप फॉर क्वालिटी मॉनिटरिंग. तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज एंड कोल, तो रेल मंत्री और कोयला मंत्री कौन है? पीयूष गोयल. लॉन्च उत्तम ऐप, UTTAM, उत्तम ऐप फॉर क्वालिटी मॉनिटरिंग. तो किस तरह से कोयला का जो खपत होता है, कोयला को जो कंज्यूम किया जाता है कंज्यूमर सेक्टर के द्वारा, इंडस्ट्रियल सेक्टर के द्वारा, तो कोयला एक नेचुरल रिसोर्स है और सीमित मात्रा में है. तो किस तरह से इसका मॉनिटरिंग किया जा सके, उसके लिए एक ऐप बनाया गया, एक एप्लीकेशन बनाया गया, जिसका नाम रखा उत्तम, और उत्तम का फुल फॉर्म भी है. उत्तम स्टैंड्स फॉर अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइंड कोल. तो किस तरह से कोयले का जो खनन किया जाता है उसके अंदर पारदर्शिता रखी जा सके एक थर्ड पार्टी के द्वारा, इसका नाम है उत्तम ऐप. द ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड कोल इंडिया लिमिटेड. तो पीयूष गोयल और कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको, इसका उद्घाटन किया गया. उत्तम ऐप प्रोवाइड्स कवरेज ऑफ थर्ड पार्टी सैंपलिंग दैट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी सैंपल. तो कितना उत्पादन हुआ है, कितना क्वांटिटी भेजा जाएगा ऑफ कोल, एंड विल हेल्प ऑल सिटीजन्स एंड कोल कंज्यूमर्स अक्रॉस CIL सब्सिडरीज. तो जितने भी उपभोक्ता हैं उनको इससे बहुत बहुत फायदा होगा. आपको क्या याद रखना है कि कोल मिनिस्ट्री ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है उत्तम, तो मॉनिटरिंग कोल कंजम्पशन, और उत्तम का फुल फॉर्म अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइंड कोल. अगली खबर की तरफ आएंगे. कैबिनेट अप्रूव्स कॉर्पोरेशन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान इन फूड सेफ्टी. तो यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड कॉर्पोरेशन अरेंजमेंट बिटवीन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई, जिसने मैगी को भी बैन किया था. 2007 में ये बॉडी आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर एक बॉडी का निर्माण हुआ था फसाई, जो हमारे इंडिया में फूड स्टैंडर्ड्स को चेक करता है. और यहां पर उन्होंने किनके साथ टाई अप किया है, कॉर्पोरेशन किया है, तो यहां पे अफगानिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इरिगेशन एंड लाइव स्टॉक ऑफ अफगानिस्तान के साथ टाई अप किया है, उनको सहयोग देगा हमारा फसाई. द कॉर्पोरेशन एरियाज इंक्लूड टेक्निकल एक्सचेंज ऑन इंपोर्ट प्रोसीजर,
क्वालिटी कंट्रोल ऑपरेशन सैंपलिंग टेस्टिंग पैकेजिंग एंड लेबलिंग, मतलब इन सभी तरीकों के अंदर फसाई जो है वो अफगानिस्तान के मेल MAIL को सहयोग करेगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि फसाई ने रिसेंटली किस कंट्री के स्टैंडर्ड्स और अथॉरिटी के साथ टाई अप किया है उनको कोऑपरेट करने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए, तो योर आंसर वुड बी अफगानिस्तान। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले न्यूज की तरफ। फर्स्ट वन धन विकास केंद्र लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर हैज लॉन्च्ड वन धन विकास केंद्र इन बीजापुर छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया कि देखिए तीन योजनाओं को भारत सरकार जो है बहुत प्रमोट करना चाहती है ग्राउंड लेवल पे हमारे भारत का विकास करने के लिए। वन इज जनधन, अनदर इज गोबर धन एंड थर्ड वन इज वन धन। तो यहां पे आदिवासी और ट्राइबल अफेयर के लोगों को और किस तरह से प्रमोट किया जा सके और उनकी इनकम बढ़ाई जा सके उसके लिए वन धन विकास केंद्र जो है उसको ओपन किया है बीजापुर छत्तीसगढ़ में। इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रोवाइडिंग स्किल इंप्रूवमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग एंड वैल्यू एडिशन फैसिलिटी। दिस केंद्र विल हैव प्रोसेसिंग फैसिलिटी फॉर मेकिंग ऑफ टैमरिंड ब्रिक। तो देखिए आदिवासी इलाकों में इमली की पैदावार बहुत होती है, तो इमली ब्रिक मतलब जो इमली की ईंट होती है, मतलब जो आप लोगों ने देखा होगा कि इमली को किस तरह से पैकेज करके आगे बेचा जाता है। स्टोरेज फैसिलिटी ऑफ महुआ फ्लावर, वहां का जो लोकल फ्लावर है उसको आगे किस तरह से बेचा जा सके। एंड क्लीनिंग एंड पैकेजिंग ऑफ चिरौंजी, तो चिरौंजी जो है उसको किस तरह से बेचा जा सके, मतलब उनकी इनकम जो है किस तरीके से बढ़ाई जा सके ट्राइबल एरियाज के लोगों के, उसके लिए वन धन विकास केंद्र जो है वो बीजापुर छत्तीसगढ़ में उसका उद्घाटन किया गया ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा और पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आगे चलेंगे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च्ड इन दिल्ली, तो फ्री एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल फैमिली वुमेन, तो बिलो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को, एक वुमेन को, एक औरत को फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन की ये योजना उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हैज बीन लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इन दिल्ली। तो मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट 400 एलपीजी कनेक्शंस टू फैमिलीज बिलोंगिंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन टू वुमेन फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन। दिस विल प्रिवेंट हेल्थ हैजार्ड्स स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम यूजेस ऑफ अनक्लीन कुकिंग फ्यूल एंड फॉसिल फ्यूल फॉर डोमेस्टिक कुकिंग पर्पसेस। तो देखिए जो चूल्हे में लकड़ी और कोयले से जो खाना पकाते हैं उससे हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत खतरनाक असर पड़ता है, तो यहाँ पे एलपीजी जो एक क्लीन एनर्जी है उसके थ्रू उन चीजों से बचा जा सकता है। एंड एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कंटेनिंग विच टू गैसेस प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो एलपीजी के अंदर कौन सी दो गैसेस होती है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, जिससे हानिकारक जो नुकसान है वो नहीं पहुंचता है। और उज्ज्वला योजना जो है जो शुरू किया गया था उसका जो एक फेज है तो उसे कहां से स्टार्ट किया गया, न्यू दिल्ली से स्टार्ट किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किनके द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। आगे चलेंगे, गोबरधन योजना टू बी लॉन्च फ्रॉम करनाल, तो देखिए ये घोषणा हुई थी अप्रैल में कि इसको लॉन्च किया जाएगा अप्रैल के अंत में और इसे लॉन्च कर भी दिया गया करनाल से, किनके द्वारा, उमा भारती जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। द यूनियन गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू लॉन्च गोबरधन योजना फ्रॉम करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा बाय द एंड ऑफ अप्रैल, जो अब हो चुका है। यूनियन मिनिस्टर फॉर ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन सुश्री उमा भारती मनोहर लाल खट्टर के द्वारा गोबरधन योजना की शुरुआत जो है वो कहां से हो चुकी है, तो जनाब ठीक कह रहे हैं आप, करनाल के नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट से उसकी शुरुआत हो चुकी है। द फुल फॉर्म ऑफ गोबर इज गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। तो देखिए जो कैटल के डंग होते हैं, डंग जिसको हम गोबर बोलते हैं, और गोबर और भी वेस्ट से, वेस्ट प्रोडक्ट से हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और भी बहुत सारे कामों में लाया जा सकता है, जिससे वो जो किसान है या जो वो निचले लेवल के लोग हैं वो भी इनसे इनकम कमा सकते हैं, आमदनी कमा सकते हैं, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन और किसान लोग, फार्मर लोग जो है वो गोबर का इस्तेमाल करके उससे भी इनकम कमा सकते हैं। तो गोबर धन, तो गोबर से किस तरह से धन अर्जित किया जा सके और इसको बढ़ाया जा सके, तो गोबर का फुल फॉर्म गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। द स्कीम इज अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली और इसको इनॉग्रेट किन्होंने किया करनाल में, सुश्री उमा भारती जी ने, किनके साथ मिलकर, सीएम ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टर के साथ मिलकर। द पर्पज ऑफ द स्कीम इज टू मैनेज एंड कन्वर्ट कैटल डंग एंड सॉलिड वेस्ट इन टू मेन्योर एंड बायोगैस। तो किस तरह से खाद, मेन्योर का मतलब होता है खाद, और बायोगैस किस तरह से पैदा किया जा सके उन गोबरों से और उन कैटल डंग से। द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट
गवर्नमेंट वुड प्रोवाइड फंड्स इन द रेशियो ऑफ 60-40. तो जितना भी फंड होगा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देगी और स्टेट गवर्नमेंट 40% देगी. असम स्प्रिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड एट मानस नेशनल पार्क. तो देखिए असम का स्प्रिंग फेस्टिवल, वसंत फेस्टिवल जो है वो कहां पर मनाया गया? मानस नेशनल पार्क में मनाया गया. द टू डे असम स्प्रिंग फेस्टिवल वॉज हेल्ड एट मानस नेशनल पार्क वेयर विजिटर्स विल एक्सपीरियंस द स्टेट्स लोकल फूड, म्यूजिक, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट. द एम ऑफ द फेस्टिवल इज टू प्रमोट द लोकल फूड एंड कल्चर. द फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज बाय इंडियन वीवर्स एसोसिएशन एंड स्वंकर मिथिंगा ओनसाई अफात एसोसिएशन ऑफ रिफॉर्म पोचर्स हु आर नाउ इन्वॉल्व इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन मानस. द मानस नेशनल पार्क इज ऑल्सो अ टाइगर एंड राइनोसरस गेंडो का एक रिजर्व है जहां पे वन हॉर्न्ड राइनो पाया जाता है अलोंग विद काजीरंगा नेशनल पार्क. तो आपसे पूछा जा सकता है कि असम का स्प्रिंग फेस्टिवल जो है वो किस नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मनाया गया? तो यार आंसर वुड बी मानस नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. और असम के सीएम का नाम सर्बानंद सोनोवाल. तो जल्दी से इसको करिएगा. अगली खबर की तरफ, हैप्पी सिटी समिट 2018 लॉन्च बाय आंध्र सीएम नायडू इन अमरावती. तो आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के द्वारा पहली बार इस तरह का एक समिट, एक सम्मेलन जो है हैप्पी सिटीज समिट, हैप्पी सिटीज मतलब खुश रहने के लिए, खुशी वाला शहर वाला एक सम्मेलन जो है वो कहां पर किया गया? अमरावती में किया गया. तो चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू एंड फाउंडर ऑफ ईशा फाउंडेशन साधगुरु जग्गी वासुदेव, बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक गुरु साधगुरु जग्गी वासुदेव, हैज लॉन्च 3-डे लॉन्ग हैप्पी सिटीज समिट 2018 एट मंगलागिरी टाउन in Amaravati. Around 1,000 representative from India and abroad will take part in this summit. This is the first of its kind program in India. तो अपने kind का भारत के अंदर पहला ये program है Happy City Summit जो मंगलागिरी town अमरावती आंध्र प्रदेश में हुआ. किनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के द्वारा और ईशा फाउंडेशन स्पिरिचुअल गुरु साधगुरु जग्गी वासुदेव के द्वारा. अगली खबर की तरफ आएंगे. Prime Minister launched Defence Exposition 2018 in Chennai. The PM Shri Narendra Modi inaugurated the 10th edition of Defence Expo. Exposition ka matlab hota hai pradarshani, held in Chennai at Tiru Vidhantal in Kanchipuram district. The tagline of Defence Expo this year is India, the emerging defence manufacturing hub, to reveal India's capability in export of defence system. तो इसका main purpose क्या था कि ये प्रदर्शित कर सके, reveal कर सके, खुलासा कर सके कि India के पास कितनी काबिलियत है रक्षा क्षेत्र के अंदर, जिससे India ने अपने रक्षा सौदों का और रक्षा खरीद का एक प्रदर्शनी करी. यहाँ पर MSME sector had a fair representation this time, around 15%. Micro, small and medium enterprises का भी 15% यहाँ पे हिस्सेदारी रही, जहाँ पर एक मेले के तहत उन्होंने अपने सारी चीजों को रिप्रेजेंट किया. इंडियन पार्टिसिपेशन इंक्लूड्स टाटा, एलएनटी, कल्याणी, भारत फोर्ज, महिंद्रा एंड मेनी अदर्स. और भी बहुत सारे इंडियन कंपनीज और फॉरेन कंपनीज ने यहां पर पार्टिसिपेट किया. तो आपको क्या याद रखना है कि डिफेंस एक्सपो कहां पर हुआ 2018 का? तो वो चेन्नई में हुआ. तो आगे बढ़ते हैं. EFRO स्कीम लॉन्च्ड बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री. तो राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द यूनियन होम मिनिस्टर लॉन्च्ड अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन ई फॉरनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस. तो यहां पर EFRO का मतलब ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, FPRO का मतलब क्या है? तो यहां पर फॉरनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, FRRO, फॉरनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस स्कीम. दिस स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फास्ट एंड एफिशिएंट सर्विसेज टू फॉरनर्स हु विजिट इंडिया सो दैट दे कैन हैव अ प्लेजेंट स्टे. तो यहां पर फॉरनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस खोला गया. देखिए पहले विदेशी जो आते थे उनको संबंधित थाने में जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवानी पड़ती थी कि हम यहां पर आ चुके हैं, कितने दिन का स्टे होगा. ह्यूमिलेशन के कारण यहां पर इस तरह का एक ऑफिस, एक सेटअप खोला गया है जहां पर उनको ज्यादा दिक्कत ना हो और वो अपना प्लेजेंट स्टे जो है वो इंडिया में कर सके. थ्रू दिस एप्लीकेशन फॉरनर्स विल बी एबल टू गेट 27 वीजा एंड इमिग्रेशन रिलेटेड सर्विसेज इन इंडिया. मतलब 27 तरीके के जितनी भी सेवाएं होंगी वो यहां पर उनको उपलब्ध कराई जाएंगी. इफ EFRRO स्कीम हैज बीन इंप्लीमेंटेड एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन 4 फॉरनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज इन बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली एंड मुंबई. तो यहां पर कहां पर ये 4 सेंटर्स खुलेंगे? तो बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली एंड मुंबई. तो आप प्लीज इसको याद रखिएगा. एक तो FRRO का फुल फॉर्म,
किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया, होम मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया। इसका मेन पर्पस क्या है कि जो विदेशी नागरिक आएंगे आसानी से इन सेंटर्स के ऊपर जाकर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। फिलहाल ये सेवा जो है कहां स्टार्ट की गई है, तो ये बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई के अंदर। अगली खबर की तरफ चलेंगे। लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम लॉन्च बाय पीएम मोदी ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर। पीएम लॉन्च हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अंडर आयुष्मान भारत स्कीम इन जंगाला विलेज ऑफ कर्नाटका। तो देखिए, जो 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अंबेडकर जयंती मनाई गई, उसके अंदर यूनियन बजट के अंदर अनाउंस किया गया हमारे भारत का और विश्व में अपने काइंड का सबसे बड़ा एक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है उसकी शुरुआत करी है पीएम नरेंद्र मोदी ने, जहां पर आयुष्मान भारत स्कीम, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम भी बोलते हैं और मोदी केयर स्कीम भी बोलते हैं। तीन नाम है आयुष्मान भारत। आयुष्मान का मतलब क्या होता है कि आप ज्यादा समय तक हेल्दी रह सके और जीवित रह सके, और यहां पर नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम इसका एक लीगल नाम आप कह सकते हैं, और मोदी केयर इसको एब्रिविएटेड फॉर्म में कहा जाता है। मतलब यहां पर आपको क्या सुविधा दी जाएगी, 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर यहां पर आपके हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए मैक्सिमम दिया जा सकता है। तो अपने काइंड का ये बहुत बड़ा ये योजना है पूरे विश्व भर के अंदर, जिसको 14 अप्रैल को शुरू किया गया औपचारिक तौर से, और एक वेलनेस सेंटर जो है वो खोला गया कहां पर, जंगाला विलेज ऑफ कर्नाटका के अंदर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड द आयुष्मान भारत स्कीम। दिस स्कीम एम्स एट क्रिएटिंग अ हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस इंडिया। आगे चलेंगे, सेकेंड इंडिया मोबाइल कांग्रेस हेल्ड इन न्यू दिल्ली। 2017 में भी इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है वो कहां पर हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, और सेकेंड इंडिया मोबाइल कांग्रेस भी कहां पर होगा, न्यू दिल्ली में। इंडिया मोबाइल, भारत मोबाइल कांग्रेस का मतलब सभा, मतलब मोबाइल सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के उत्थान और इसके अंदर निवेश और इस क्षेत्र के अंदर और नई संभावनाओं को तलाशते हुए ये कांग्रेस, ये मीटिंग, ये सभा जो है ये फॉर द फर्स्ट टाइम आयोजित की गई थी लास्ट ईयर। कहां पर, तो ये इसको स्टार्ट किया गया था न्यू दिल्ली में, और इस साल भी ये कहां पर होगा, अक्टूबर में न्यू दिल्ली में। तो यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर मनोज सिन्हा डिक्लेयर्ड दैट सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया विल होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस इन अक्टूबर 2018। द इवेंट विल सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिसी मेकर्स टू एंगेज इन मीनिंगफुल डेलिब्रेशंस ऑन कंटेम्पररी इश्यूज ऑफ द सेक्टर। तो इस क्षेत्र के जो मॉडर्न इश्यूज हैं उनको डिस्कस करने के लिए इसका सेकेंड एडिशन जो है वो कहां पर मनाया जाएगा, तो सेकेंड एडिशन जो है वो भी दिल्ली में मनाया जाएगा। द फर्स्ट एडिशन जो है वो कहां पर हुआ था, तो फर्स्ट एडिशन सेप्टेंबर 2017 में हुआ था, वो भी न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। मैं अपने टेक्निकल टीम से पूछना चाहूंगा कि इसका एक बार मुझे नंबर बता दीजिए क्या है, और मैं अगली खबर की तरफ आपको लेकर चलता हूं। और अगली खबर है, सेवेंथ एडिशन ऑफ होम एक्सपो इंडिया 2018 इनॉग्रेटेड बाय स्मृति ईरानी। तो देखिए, जो सेवेंथ एडिशन, सातवां एडिशन ऑफ होम एक्सपो इंडिया इन इनॉग्रेटेड बाय स्मृति ईरानी। तो देखिए, सेवेंथ एडिशन ऑफ होम एक्सपो इंडिया 2018 वाज इनॉग्रेटेड एट इंडिया एक्सपो सेंटर, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट इन ग्रेटर नोएडा बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल स्मृति ईरानी। इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट। तो हथकरघा, हथकला से रिलेटेड ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है उसको लेकर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल अजय तमता वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर। होम एक्सपो इंडिया 2018 इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट बिजनेस डील फॉर डायरेक्ट इम्पोर्ट। डायरेक्ट इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है कि बिचौलों को खत्म कर देना और एजेंट्स को खत्म करके एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाना बायर और सेलर के बीच में, जहां से इनका जो सेक्टर है वो और ज्यादा ग्रो कर सके। जो छोटा सेक्टर है ज्यादा एजेंट्स अपनी कमीशन ले जाते हैं, जिसके अंदर इनको ज्यादा फायदा नहीं नुकसान ही उठाना पड़ता है। तो यहां पे होम एक्सपो इंडिया 2018 कहां पर हुआ, ग्रेटर नोएडा में, इनॉग्रेटेड बाय स्मृति ईरानी, गेस्ट ऑफ ऑनर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल अजय तमता। और ये हुआ कहां पर, तो ये बिल्कुल हुआ जी ग्रेटर नोएडा के अंदर। अगली खबर की तरफ आएंगे, और अगली खबर जो है बिल्कुल आपके सामने, एक टेक्निकल थोड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है तो मैं इसको ठीक कर लेता हूं और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आई जाइए टेक्निकल टीम यहां पर। तो बेंगलुरु हाईएस्ट पेइंग सिटी ऑफ इंडिया। तो अकॉर्डिंग टू रैंड स्टैट इनसाइट्स, द गार्डन सिटी ऑफ बेंगलुरु इज द हाईएस्ट पेइंग सिटी ऑफ इंडिया
with average annual cost to company for talent across all functions standing at about rupees 11 lakh. तो यहाँ पर ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज एक इंस्टीट्यूट के द्वारा एक खबर दिखाई गई जहां पर इस चीज को बताया गया कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सैलरी देने वाला शहर कौन सा है. तो 11 लाख रुपीस एवरेज एनुअल पैकेज बेंगलुरु का. पुणे का स्थान जो है वो दूसरे नंबर पे आता है और दिल्ली एनसीआर का स्थान तीसरे नंबर पे आता है. तो आपको याद रखना है कि बेंगलुरु जो है हमारे इंडिया में हाईएस्ट पेइंग सिटी है, जो एवरेज पेइंग सिटी है, और ज्यादातर मेडिकल सेक्टर और आईटी सेक्टर के अंदर यहां पर पैसा दिया जाता है. अगली खबर, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन लॉन्चेस दर्पण पीएलआई ऐप. तो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन कौन? मनोज सिन्हा. तो मनोज सिन्हा के द्वारा दर्पण, दर्पण का फुल फॉर्म है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया. तो देखिए डिजिटल एडवांसमेंट, तो रूरल एरिया के अंदर जो पोस्ट ऑफिस, जो एक पुराना तरीका होता था दूर संचार का, अब उसको भी डिजिटली एडवांस करना है जिससे वो और सशक्त हो सके और मजबूत बन सके. तो डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया, पीएलआई का मतलब होता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ऐप दैट विल हेल्प इन कलेक्शन ऑफ प्रीमियम फॉर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस. पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई पॉलिसीज एट ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज विद वन लाइन ऑनलाइन अपडेशन विद द हेल्प ऑफ दिस इंडेक्सिंग ऑफ मेच्योरिटी क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पीएलआई एंड आरपीएलआई पॉलिसीज कैन बी डन एट ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज. द पर्पज ऑफ लॉन्च ऑफ दिस ऐप इज टू कनेक्ट ऑल 1.29 लाख रूरल ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज इन द कंट्री टू इनेबल देम टू डू ऑनलाइन पोस्टल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. तो यहां पर 1.29 लाख रूरल जो ब्रांचेस हैं पोस्ट ऑफिसेज के, उनको किस तरह से डिजिटली जोड़ना है जहां पर उनके कस्टमर जो है ऑनलाइन अपने ट्रांजेक्शन को कर सके. तो दर्पण पीएलआई का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस. अगली खबर की तरफ जरूर आएंगे, ओडिशा सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज ओपन. तो ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक इनॉग्रेटेड 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज इब सेतु. इब एक नदी का नाम है. तो ओडिशा का दूसरा सबसे बड़ा नदी ब्रिज जो है उसका उद्घाटन किया है. Built over the Ib River in Sambalpur district, this is Odisha's second longest bridge built at a cost of rupees 117.50 crore. The bridge has enabled direct road connectivity between Sambalpur and Bajrajnagar in Jharsuguda district and the distance has been reduced to 50 km. आपसे क्या पूछा जा सकता है कि इब रिवर कहां पर है, किस राज्य के अंदर है? तो इब रिवर जो है वो ओडिशा राज्य के अंदर है. वेंकैया नायडू लॉन्च्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम अटल अमृत अभियान स्कीम. वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू इनॉग्रेटेड द हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम अटल अमृत अभियान इन गुवाहाटी इन द प्रेजेंस ऑफ असम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल एज वेल एज फाइनेंस हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर हिमांता बिश्व शर्मा. तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के फाइनेंस हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्टर हिमांता बिश्व शर्मा के उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया गया. अटल अमृत अभियान जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है इज अ हेल्थ स्कीम दैट प्रोवाइड्स फ्री मेडिकल केयर ऑफ अप टू रुपीज 2 लाख फॉर एवरी पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन. तो गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर जो भी फैमिली है उनको स्वास्थ्य योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का लाभ मिल सकता है. तो असम राज्य की ये योजना अटल अमृत अभियान, आपसे पूछा जा सकता है कि अटल अमृत अभियान रिसेंटली किस राज्य ने हेल्थ स्कीम को स्टार्ट किया है, हेल्थ योजना को स्टार्ट किया है? तो योर आंसर वुड बी असम. और इसके अंदर 2 लाख रुपए तक की मदद जो है वो दी जा सकती है और असम गवर्नमेंट ने इसके लिए 400 करोड़ रुपीस का जो है एक एलोकेशन किया है और ये नाम जो है अटल अमृत अभियान अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर पड़ा. स्मृति ईरानी लॉन्चेस जीएनएफसीज नीम प्रोजेक्ट इन यूपी. तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी लॉन्च्ड गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड जीएनएफसीज नीम प्रोजेक्ट इन अमेठी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. अंडर दिस प्रोजेक्ट जीएनएफसी एक्सपेक्ट टू कलेक्ट 8,000 to 10,000 मीट्रिक टन नीम सीड्स from Uttar Pradesh which will provide additional income of rupees 12 to 15 crore for over 1 lakh rural women from 2500 to 2500 villages in the state. GNFC has been operating neem project since 2015 in over 60 districts of 5 states including Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Karnataka and Rajasthan. To aapse pucha jayega ki jo neem project hai Smriti Rani ji ke dwara GNFC ke dwara
यूपी में कहां से स्टार्ट किया गया? अमेठी में स्टार्ट किया गया. इट साइन एमयूयू विद इफको टू एक्सपैंड दिस प्रोजेक्ट इन 15 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, और इफको के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के 15 और जिलों में इसको फैलाया जाएगा. आगे चलेंगे. पीएम मोदी अनाउंस्ड मणिपुर करंग एज इंडियाज फर्स्ट कैशलेस आइलैंड. मोदी अवॉर्डेड सिविल सर्वेंट्स फॉर स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एंड दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना. वेस्ट त्रिपुरा एंड महाराष्ट्र बीड वर अवॉर्डेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. तो वेस्ट त्रिपुरा और महाराष्ट्र के बीड को प्रधानमंत्री फसल योजना के अच्छे क्रियान्वयन के लिए, इंप्लीमेंटेशन के लिए अवार्ड दिया गया. हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और मध्य प्रदेश के नीमूच को अवार्ड दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए. पुडुचेरी और ग्रेटर हैदराबाद को प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए अवार्ड मिला. और मणिपुर के करंग जो है उसको फर्स्ट कैशलेस आइलैंड, फर्स्ट कैशलेस द्वीप घोषित किया गया. तो ये पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा. अगली खबर की तरफ चलेंगे. वेस्ट बंगाल दिगंबरपुर इज इंडियाज बेस्ट ग्राम पंचायत. तो देखिए, वेस्ट बंगाल दिगंबरपुर ग्राम पंचायत हैज बैग द सेंट्रल अवार्ड फॉर द बेस्ट ग्राम पंचायत इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एट पाथर प्रतिमा ब्लॉक इन साउथ 24 परगना has come up as the best out of 2.5 lakh gram panchayats in the country. तो 2.5 लाख ग्राम पंचायत में से सबसे बेस्ट ग्राम पंचायत जो है वो दिगंबरपुर ग्राम पंचायत ऑफ वेस्ट बंगाल बना. अगली खबर की तरफ चलेंगे. यूनियन मिनिस्टर विजय गोयल लॉन्च सेंट्रल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट फॉर ई विधान प्रोजेक्ट. तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स विजय गोयल इनॉग्रेटेड द न्यू ऑफिस ऑफ सेंट्रल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट फॉर ई विधान प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट हाउस. दिस वॉज डन एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छता पखवाड़ा ऑब्जर्व्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स. ई विधान इज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द क्लीनलीनेस एंड एनवायरमेंट बाय रिड्यूसिंग द यूज ऑफ पेपर्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट. तो कहीं ना कहीं ई विधान, इलेक्ट्रॉनिक विधान, विधान का मतलब विधानसभा जो है, उन विधानसभाओं के अंदर पेपरलेस करने की कवायद जो है वो शुरू की गई है ई विधान के तहत, जहां पर आने वाले समय में इन्वायरमेंट को और फ्रेंडली बनाने के लिए विधानसभा के जितने भी कार्य हैं वो ऑनलाइन और डिजिटली किए जाएंगे और पेपर का इस्तेमाल जो है उसे बहुत कम या खत्म किया जा सकेगा. तो इसका नाम क्या प्रोजेक्ट का? ई विधान. इंडियाज फर्स्ट ई कॉमर्स थिंक टैंक मीट. तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर सुरेश प्रभु हेल्ड फर्स्ट ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स थिंक टैंक मीट इन न्यू दिल्ली. द मीटिंग एम्स एट फ्रेमिंग अ नेशनल पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स. द सेटिंग अप ऑफ दिस ई कॉमर्स थिंक टैंक बाय द मिनिस्ट्री मे बी इंटरप्रेटेड एज द गवर्नमेंट टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द ई कॉमर्स इंडस्ट्री इन इंडिया. तो देखिए, आज की डेट में ई कॉमर्स का जमाना, चाहे वो अमेजोन की बात हो इंटरनेशनली, चाहे वो बात हो अली बाबा की बात हो या स्नैपडील की बात, फ्लिपकार्ट की बात हो, तो आज का जमाना जो है वो ई कॉमर्स का जमाना है, जहां पर गवर्नमेंट ने, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने पहला ई कॉमर्स मीटिंग को कहां पर हेल्ड किया? न्यू दिल्ली के अंदर. इनके अंदर संभावनाओं को तलाशने के लिए कि किस तरह से ई कॉमर्स जो है इंडिया के ग्रोथ में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकता है. दीव बिकम्स फर्स्ट सिटी. दमन और दीव का जो दीव है बिकम्स फर्स्ट सिटी टू रन ऑन 100% रिन्यूएबल एनर्जी ड्यूरिंग डे टाइम. तो दिन के समय में 100% रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर चलने वाला दीव जो है हमारे भारत का पहला शहर बना. दमन एंड दीव एक यूटी है, दीव उसका शहर है, और गुजरात से पहले ये बिजली लेते थे लेकिन अब ये इतने सक्षम हो चुके हैं कि सौर ऊर्जा के ऊपर डे टाइम के अंदर 100% रिन्यूएबल एनर्जी जो है इनको मिल रही है. आगे चलेंगे. 48th फाउंडेशन डे ऑफ हुडको सेलिब्रेटेड. तो 48th फाउंडेशन डे ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हुडको हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया. हुडको प्लेज एंड हुडको का काम क्या है? 1977 में इसका उद्घाटन हुआ था हाउसिंग और अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा. और इसका मेन काम क्या है? तो किस तरह से हम कम से कम पैसों के अंदर घरों का निर्माण कर सकें और फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकें जो घर बनाना चाहते हैं. तो हुडको प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन टेकिंग फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट इन द कंट्री फॉर इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन. तो आर्थिक रूप से कमजोर जिनको घर की सुविधा दी जा सके और इस तरह के घर बनाए जा सके उनके लिए हुडको काम करता है. तो हुडको का 48th फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया हरदीप सिंह पुरी के द्वारा. इसका उद्घाटन किया गया जो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी. सेकंड एडिशन ऑफ उन्नत भारत अभियान लॉन्च. तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा सेकंड एडिशन ऑफ उन्नत भारत अभियान को लॉन्च किया गया, जहां पे 750 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट NITs, IITs, IIM
तमाम बड़े इंस्टीट्यूट्स के जो विद्यार्थी हैं उनको यहां पर इन्वॉल्व किया जाएगा, जिनको गांव-गांव घुमाया जाएगा, सर्वे करवाया जाएगा और फेमिलराइज किया जाएगा उन लोगों के साथ. और मिनिस्टर सजेस्ट द स्टूडेंट्स टू इन्वॉल्व लोकल विलेज पीपल एट एवरी स्टेज ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, की समस्याओं को वो ढूंढ सके एंड सॉल्विंग इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ क्लीनलीनेस, और उसको सॉल्व कर सके. और वो इश्यूज क्या हो सकते हैं, स्वास्थ्य इशू हो सकता है, स्वच्छता इशू हो सकता है, वेस्ट मैनेजमेंट इशू हो सकता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इशू हो सकता है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. तो जो एक कॉमन इश्यूज है उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उन्नत भारत अभियान, जहां पर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना और हमारे देश से रूबरू करवाना. तो HRD मिनिस्टर कौन, प्रकाश जावड़ेकर. आगे चलेंगे, 10th एडिशन ऑफ ग्रेट इंडिया ट्रेवल बाजार GITB एंडेड इन जयपुर. 10th एडिशन ऑफ द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार कंक्लूडेड इन जयपुर राजस्थान. GITB वॉज ऑर्गेनाइज बाय राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन कमर्स ऑफ इंडस्ट्री एंड सपोर्टेड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, इंडियन हेरिटेज होटल एसोसिएशन एंड राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स. तो पर्यटक सैलानी इन सभी को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10वां एडिशन ऑफ ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार कहां पर हुआ है, जयपुर, पिंक सिटी द कैपिटल ऑफ राजस्थान. आपको सिर्फ इतना याद रखना है. आगे चलेंगे, नीति आयोग लॉन्चेस अटल न्यू इंडिया चैलेंज. अटल इनोवेशन मिशन के तहत नीति आयोग ने लॉन्च किया है अटल न्यू इंडिया चैलेंज विद एन एम टू इंट्रोड्यूस innovations and technologies related to people. Atal Innovation Mission has partnered with ministers of road transport and highways, housing and urban affair, agriculture and family welfare, drinking water and sanitation for this new initiative. So yahan pe Atal New India scheme ke andar नए विचारों के साथ किस तरह से एक नया विचार आए जिससे हमारे देश की तरक्की हो, प्रगति हो, विकास हो, डेवलपमेंट हो, और किन किन एरियाज के अंदर आइडियाज आना चाहिए, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के अंदर, हाउसिंग और अर्बन अफेयर के अंदर, एग्रीकल्चर फैमिली वेलफेयर के अंदर, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंदर. इट विल फोकस ऑन एफर्ट्स टूवर्ड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन सेंट्रल एरियाज विच वुड हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इंप्रूविंग लाइफ ऑफ सिटीजन. तो नागरिकों के जीवन का स्तर सुधारने के लिए किस तरह से केंद्रीय स्तर के ऊपर इस चीज की बात की, बातचीत की जा सकती है, नए विचार उत्पन्न किए जा सकते हैं और उनको इंप्लीमेंट किया जा सकता है. आगे चलेंगे, पीएम रिलीजेस कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप ऑन हेमवती नंदन महुगुना. तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर रिसेंटली एक पोस्टल स्टैंप जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया. तो पीएम नरेंद्र मोदी रिलीजेस कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप ऑन फॉर्मर सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश लेट श्री हेमवती नंदन बहुगुना. स्पीकिंग ऑन द ओकेजन पीएम डिस्क्राइब्ड बहुगुना एज अ लीडर कमिटेड टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लोकतांत्रिक वैल्यूज से संबंध रखते थे, ऐसा कहना था पीएम नरेंद्र मोदी का. एंड इस कॉन्ट्रीब्यूशन इन द एजुकेशन सेक्टर एंड डेवलपमेंट इन द हिली एरियाज ऑफ इंडिया. हेमवती नंदन बहुगुना वॉज द 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश. उनके नाम पर डाक टिकट को जारी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने. देन वनधन स्कीम लॉन्च बाय पीएम मोदी टू इंक्रीज ट्राइबल इनकम. तो पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च बाय वन धन स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग अंबेडकर जयंती सेलिब्रेशन एट बीजापुर छत्तीसगढ़. प्राइम मिनिस्टर अनाउंस दैट वन धन स्कीम जो है उसको बीजापुर छत्तीसगढ़ से अनाउंस किया ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री पीएम ने और ट्राइफेड ने, जहां पर एक पोटेंशियल एक संभावना को तलाशा जा सके जिससे आदिवासी मूल के लोग ट्राइबल लोगों को सहायता मिल सके, उनको धनोपार्जन जो है वो बढ़ सके उनका और उनकी इनकम जो है वो और ज्यादा एक्सेस हो सके. राजनाथ सिंह चेयर्ड 23rd मीटिंग ऑफ वेस्टर्न जोनल काउंसिल. तो 23rd मीटिंग ऑफ द वेस्टर्न जोनल काउंसिल वॉज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मीटिंग जो है वो कहां पर हुआ, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह एट गांधीनगर गुजरात. तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 23rd मीटिंग ऑफ वेस्टर्न जोनल काउंसिल कहां पर हुआ, तो वो गांधीनगर गुजरात में हुआ और उसको चेयर किसने किया, अध्यक्षता किसने करी, राजनाथ सिंह ने करी. सीएम ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, मिनिस्टर ऑफ गुजरात महाराष्ट्र गोवा एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली एंड सीनियर ऑफिसर्स, ये सभी यहां पर मौजूद थे जो पश्चिमी क्षेत्र की तो करेंगे. गुजरात महाराष्ट्र मेन एरिया पश्चिमी क्षेत्र का और कहीं ना कहीं वहां पर यूटीज जो है गोवा दमन दीव ये जितने भी हैं, गोवा भी राज्य है, गोवा महाराष्ट्र गुजरात ये तीन राज्य और उसके अलावा यूटीज जो है दादरा नगर हवेली दमन दीव, इनके सीनियर ऑफिसर्स और इनके जो अध्यक्ष हैं उन सभी ने यहां पर पार्टिसिपेट किया. जोनल काउंसिल जो है ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 7th अमेंडमेंट एक्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के बाद स्टैब्लिश हुआ था कि किस तरह से इसका पर्पस जो है कोऑपरेट करके एक तालमेल बिठाकर देश के
तरक्की की जा सके जोनल में बांटकर। देन अगली खबर, शिरू लिली फेस्टिवल। शिरू लिली एक फ्लावर है जो मणिपुर के खुरूल डिस्ट्रिक्ट में बहुत रेयर फ्लावर ये पाया जाता है। तो शिरू लिली फेस्टिवल कंक्लूडेड इन मणिपुर। तो शिरू लिली फेस्टिवल 2018 एट ऑफ मणिपुर वॉज कंक्लूडेड एट उखरूल डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शिरू लिली फेस्टिवल जो है वो किस राज्य का फेस्टिवल है, तो आप इसका सिंपल सा उत्तर दीजिएगा मणिपुर। आगे बढ़ेंगे, प्रवासी पेंशन स्कीम। केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन लॉन्च प्रवासी पेंशन स्कीम। प्रवासी का मतलब माइग्रेंट्स। तो माइग्रेंट्स पेंशन स्कीम, दिस स्कीम ऑफर्स अ पेंशन ऑफ रुपीज 2000 पर मंथ। यहां पर पेंशन दिया जाएगा 2000 प्रति महीना फॉर पीपल हेलिंग फ्रॉम केरला, मतलब जो उन लोगों को जो केरला से बिलोंग करते हैं बट केरला में नहीं रहते हैं, या तो अदर स्टेट में रहते हैं या दूसरे देश में रहते हैं, उनको ये दिया जाएगा जिनकी उम्र 60 साल 60 ईयर्स उससे अबव हो, और वही इस स्कीम को अवेल कर पाएंगे जो पे करते हैं 100 रुपीज पर मंथ। तो 100 रुपए पर मंथ जो पे करेंगे उसको बाद में 60 साल की उम्र होने के बाद 2000 रुपया पर महीना दिया जाएगा। लेकिन ये स्कीम किन के लिए है? केरला के उन लोगों के लिए जो केरला से बिलोंग करते हैं लेकिन रहते हैं अदर स्टेट्स में या फिर अदर कंट्रीज में। पिनराई विजयन के द्वारा प्रवासी पेंशन स्कीम। पूछा जा सकता है कि प्रवासी पेंशन स्कीम किस राज्य सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, तो योर आंसर वुड बी केरला। देन डालमिया भारत लिमिटेड साइंड MOU टू मेंटेन हेरिटेज साइट। तो देखिए बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी होगी इसके ऊपर, लेकिन हमें सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है, हमें सिर्फ न्यूज से मतलब है। तो यहाँ पे डालमिया भारत ग्रुप जो एक बिजनेस ग्रुप है, रेड फोर्ट और अडॉप्ट हेरिटेज साइट आंध्र प्रदेश का गांधी कोटा फोर्ट जो है वो 5 साल के लिए दिया गया है किसके ऊपर, अडॉप्शन के तहत। तो डालमिया भारत लिमिटेड हैज साइंड MOU विद टूरिज्म मिनिस्ट्री टू टेक अप रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड गांधी कोटा फोर्ट आंध्र प्रदेश अंडर अ प्रोजेक्ट कॉल्ड अडॉप्ट अ हेरिटेज, एक विश्व जो आपका हेरिटेज साइट है एक हिफाजत करने के लिए अडॉप्ट किया है डालमिया भारत ग्रुप ने, और रेड फोर्ट को 25 करोड़ रुपए के ऊपर इन्होंने अडॉप्ट किया, 5 सालों के लिए ये अडॉप्शन होगा, जहां पर देखभाल करने की जिम्मेदारी जो होगी वो किन की होगी, डालमिया भारत ग्रुप की होगी। देन इंटरनेशनल न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। देखिए बहुत सारी नेशनल खबरें थी, इसके अलावा इंटरनेशनल न्यूज है, स्पोर्ट्स की खबरें, तमाम खबरें हैं, बैंकिंग फाइनेंस की खबरें हैं, इंपॉर्टेंट डेज की खबरें हैं, ऑर्बिटरीज की खबरें हैं। हम उसको जल्दी से खत्म करेंगे, और मुझे समय का पूरा आभास है कि हमें इसे जल्दी से खत्म करना है और आगे जरूर बढ़ना है, और लेकिन आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। चलिए बहुत खूब यहां पर आप सभी का पार्टिसिपेशन, इंटरनेशनल न्यूज की तरफ बढ़ेंगे और समय भी हमारा बढ़ता जा रहा है, इसी के साथ हम जल्दी से बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। द 114th PIC मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो 114 परमानेंट इंडस कमीशन, तो यहां पे सिंधु जल समझौता के अंदर एक परमानेंट इंडस कमीशन, एक आयोग है जिसकी मीटिंग हर वर्ष होती है, हेल्ड इन न्यू दिल्ली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू डिस्कस इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता को डिस्कस करने के लिए परमानेंट इंडस कमीशन की मीटिंग कहां पर हुई, न्यू दिल्ली के अंदर हुई। IWT कमिश्नर PK सक्सेना एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वर पार्ट ऑफ इंडियन डेलीगेशन, वाइल पाकिस्तानी डेलीगेशन वॉज लेड बाय सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह। लास्ट PIC मीटिंग वॉज हेल्ड इन इस्लामाबाद पाकिस्तान इन मार्च 2017। लास्ट मीटिंग इस्लामाबाद और इस साल की मीटिंग न्यू दिल्ली के अंदर परमानेंट इंडस कमीशन इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। देन इंडिया बिकम्स वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन मोबाइल फोन। दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन का प्रोड्यूसर निर्माता कौन है? चाइना। चाइना के बाद इंडिया का नंबर आता है विद 11 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस इन 2017। इंडिया रिप्लेस्ड वियतनाम। वियतनाम को हमने पीछे छोड़ा और 11 मिलियन यूनिट्स के साथ हमने प्रोड्यूस किया मोबाइल को 2017 में। टॉप थ्री मोबाइल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, फर्स्ट पे चाइना, सेकेंड पे इंडिया, थर्ड पे वियतनाम। आपको ये रैंकिंग याद रखनी है। देन इंडिया रैंक 37th इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टार स्टार्टअप ब्लिंक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का रैंक जो है ग्लोबल स्टार्टअप के अंदर, वैश्विक स्टार्टअप के अंदर इनोवेशंस एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर 37th। तो अकॉर्डिंग टू स्टार्टअप ब्लिंक रिपोर्ट इंडिया रैंक 37th आउट ऑफ 125 कंट्रीज। तो बहुत अच्छा ये रैंकिंग, 125 देशों में स्टार्टअप की रैंकिंग में, इनोवेशंस की रैंकिंग में, विचारों की रैंकिंग में, एंटरप्रेन्योरशिप की रैंकिंग में इंडिया का स्थान 37th। और नंबर वन पे क्या है? तो नंबर वन पे द लिस्ट वॉज टॉप्ड बाय US एंड फॉलोड बाय यूनाइटेड किंगडम। नंबर वन पे USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑन नंबर वन, और नंबर सेकंड पे UK यूनाइटेड किंगडम। तो नंबर वन अमेरिका, नंबर सेकंड ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम, और इंडिया का स्थान जो है वो है 37।
आगे बढ़ेंगे, डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन टू अटेंड मॉस्को कॉन्फ्रेंस, डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन टू अटेंड 7th मॉस्को कॉन्फ्रेंस इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन रशिया, ड्यूरिंग हर रशिया टूर शी विल मीट हर रशियन काउंटर पार्ट आर्मी जनरल सर्जी शोगू एंड अदर सीनियर लीडर्स। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होगा कि टू अटेंड मॉस्को कॉन्फ्रेंस हमारे इंडिया से कौन सी मिनिस्टर गई, तो योर आंसर वुड बी डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। देन इंडिया जापान यूएस ट्राइलेटरल टॉक टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली, तो भारत जापान और अमेरिका का त्रिपक्षीय एक जो टॉक, एक जो बातचीत होगी वो कहां पर होगी, न्यू दिल्ली में। द ट्राइलेटरल डायलॉग बिटवीन थ्री डेमोक्रेटिक पावर्स इंडिया जापान यूएस ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन। तो कल भी हमने बात करी थी कि हिंद महासागर प्रशांत महासागर के अंदर चाइना के ऊपर दबाव बनाने के लिए तीन देशों का एक नेवी एक्सरसाइज भी होता है, और उस नेवी एक्सरसाइज को क्या कहते हैं वो जरूर आप यहां पर बताइएगा कि इंडिया जापान और यूएस के मध्य एक नेवी एक्सरसाइज भी होता है, उस नेवी एक्सरसाइज का क्या नाम है। तो हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र के अंदर चाइना के ऊपर दबाव बनाने के लिए इन तीनों देशों के बीच में जो एक बातचीत हुई वो कहां पर हुई, न्यू दिल्ली के अंदर। अगली खबर, फर्स्ट इंडिया बांग्लादेश कंटेनर ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ, मालगाड़ी, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य पहली मालगाड़ी सेवा जो है उसे शुरू किया गया लैंड रूट से, ये पहला रास्ता है, मतलब ट्रेन रूट से ये पहला रास्ता है, उससे पहले ये रास्ता जो था वो या तो समुद्र के माध्यम से जाता था या एयर के माध्यम से। तो द ट्रायल रन ऑफ द फर्स्ट कंटेनर ट्रेन वॉज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम कोलकाता टू ढाका। तो बांग्लादेश ट्रेन गई है, मालगाड़ी ट्रेन गई है, कंटेनर ट्रेन गई है, पैसेंजर ट्रेन नहीं है, मालगाड़ी ट्रेन है, कहां से कहां तक, कोलकाता से ढाका तक, आपको याद रखना है। फर्स्ट एवर न्यूक्लियर प्लांट लॉन्च बाय टर्की, तो टर्किश प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्दोगन लॉन्च द कंस्ट्रक्शन ऑफ टर्कीज फर्स्ट एवर न्यूक्लियर पावर प्लांट इन मर्सिन रीजन। तो तुर्की, टर्की के अंदर उसका पहला परमाणु संयंत्र जो है उसे खोला गया है, किसके द्वारा, तो तुर्किश प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्दोगन के द्वारा, और ये पहला टर्की का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, किसके सहयोग से, तो रशिया के सहयोग से, रशिया के सहयोग से टर्की के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण किया गया। देन इंडिया रैंक्स थर्ड मोस्ट वल्नरेबल कंट्री टू साइबर थ्रेट, वल्नरेबल का मतलब होता है इंडेंजर्ड, खतरे में। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट रिपोर्ट इंडिया हैज बीन रैंक द थर्ड मोस्ट वल्नरेबल कंट्री विद 5.09% ऑफ ग्लोबल थ्रेट। यूएसए हैज बीन रैंक्ड ऑन टॉप मोस्ट वल्नरेबल कंट्री इन साइबर अटैक्स फॉलोड बाय चाइना। पहले नंबर मतलब साइबर अटैक, इंटरनेट अटैक, मतलब हमला होने का जो चांस है सबसे ज्यादा, देखिए विकीलीक्स है, जूलियन असांज का नाम ले लीजिए, तमाम ऐसे जो लोग हैं वो यूएसए से ही पाए जाते हैं, उसके बाद चाइना के ऊपर खतरा है, थर्ड नंबर पे इंडिया के ऊपर खतरा है। देन इंडिया बिकम्स वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील, कच्चे इस्पात का पैदावार करने वाला इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बना है। तो अकॉर्डिंग टू स्टील यूजर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया हैज बिकम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील, क्रूड का मतलब कच्चा स्टील इन वर्ल्ड। इंडिया हैज ओवरटेकन जापान टू बिकम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया ने किसको पीछे छोड़ा, जापान को पीछे छोड़ा, और नंबर वन पे कौन है, चाइना है नंबर वन पे, चाइना क्रूड स्टील सबसे ज्यादा स्टील की उत्पादन में चाइना नंबर वन, सेकंड पे इंडिया, थर्ड पे जापान। आगे बढ़ेंगे, सुषमा स्वराज अटेंडेड नैम मिनिस्टीरियल इन अजरबैजान। देखिए जब वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है तो वर्ल्ड वॉर के बाद शीत युद्ध कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है, और कोल्ड वॉर को खत्म करने में 1961 में जवाहरलाल नेहरू, टीटो और भी बहुत सारे नेता थे जिनकी मदद से 1961 में बेलग्रेड, दैट टाइम बेलग्रेड जो था योगोस्लाविया का पार्ट था, वहां पर नैम की स्थापना की गई, नॉन अलाइन मूवमेंट की स्थापना की गई, और 120 देश आज इसके मेंबर हैं, और इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया किससे, तो कोल्ड वॉर को खत्म करने में। तो सुषमा स्वराज ने अटेंड किया अभी रिसेंटली नैम का मंत्रीय बैठक इन अजरबैजान, तो अजरबैजान की कैपिटल बाकू में नॉन अलाइन मूवमेंट जो एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मीटिंग को अटेंड किया सुषमा स्वराज जी ने अजरबैजान की कैपिटल बाकू के अंदर, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स इनॉग्रेटेड बाय नेपाल प्रेसिडेंट इन साउथ एशिया, तो अंतरराष्ट्रीय लेवल का मानव अधिकार का जो कॉन्फ्रेंस है वो कहां पर हुआ, काठमांडू में हुआ, नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स जो है वो कहां पर हुआ, तो वो काठमांडू द कैपिटल ऑफ नेपाल के अंदर हुआ, जिसको किन्होंने उद्घाटन किया, नेपाल की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी के द्वारा उसको ऑर्गेनाइज किया गया। थीम क्या रखा, थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज आइडेंटिफाइंग चैलेंजेस, असेसिंग प्रोग्रेस एंड मूविंग फॉरवर्ड, एड्रेसिंग इम्प्यूनिटी एंड रियलाइजिंग ह्यूमन राइट्स इन साउथ एशिया। तो आगे चलते हैं, 20 कंट्रीज ने यहां पे पार्टिसिपेट किया। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क टू सेटअप इन गुजरात, देखिए गुजरात में आने वाले समय में, फ्यूचर में
जो है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वो सेटअप होगा. तो गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी अनाउंस दैट गुजरात इज ऑल सेट टू बिल्ड इंडियाज लार्जेस्ट 5000 मेगावाट सोलर पार्क इन धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन. इट विल बी एस्टैब्लिश्ड ऑन 11000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अलोंग द गल्फ ऑफ खंबाट इन DSIR. The establishment of this solar park will attract investment of rupees 25,000 crore ka investment hoga. It will also provide employment for more than 20,000 people aur 20,000 se zyada logon ko rozgar bhi dega Dholera region ke andar. Then India hosts 16th International Energy Forum Ministerial Meeting. So 16th International Energy Forum Ministerial Meeting was held in New Delhi. Aur aapko pata hona chahiye ki International Energy jo summit hai wo India mein hua aur India ke andar hi iska headquarter hai. Kahan par? Gurugram. हरियाणा के अंदर. मिनिस्टीरियल वॉज अटेंडेड बाय यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान. मीटिंग कहां पे हुई? न्यू दिल्ली में. हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का. कहां पर? तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर. देन along with energy minister from all over the world, the event also brought together industry leaders and heads of key international organization to discuss the future of global energy. The meeting was hosted by India and co-hosted by China and South Korea. So, ye important line hai ki India ke dwara host kiya gaya lekin co-host kisse hai, mejbani kiske dwara? China aur South Korea ke dwara. Then United Arab Emirates approved law on equal wages for men and women. So United Arab Emirates ne ek law pass kiya jahan par equal wages, ek dihadi, ek salary jo hai wo equal di jayegi men aur women ko, aur us gender gap ko khatam karne ki koshish kari. UAE has been ranked 120 out of 144 countries overall in the 2017 World Economic Forum's Global Gender Gap Report. To 144 mein 120ve number pe aata hai. Is gap ko kam karne ke liye UAE ke dwara ye step uthaya gaya jahan pe aurat aur mard ke beech mein fark khatam karne ke liye salary ka fark jo hai उसे खत्म किया गया. देन इंडिया रैंक्ड 130th इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2018. द हेरिटेज फाउंडेशन एंड अमेरिकन थिंक टैंक पब्लिश इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक इन विच इंडिया जंप्ड 13 प्लेसेस टू अचीव द 130th स्पॉट. देन एज पर द लेटेस्ट एडिशन इंडिया मूव्ड अप टू 130th स्पॉट अप फ्रॉम 143 इन 2017. तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के अंदर इंडिया का कौन सा रैंक है? 130वां रैंक है. और हांगकांग टॉप द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स फॉलोड बाय सिंगापुर एंड न्यूजीलैंड. नंबर वन पे कौन सी कंट्री है? तो हांगकांग, उसके बाद आता है सिंगापुर और न्यूजीलैंड का नंबर, और इंडिया का स्थान 130वां स्थान. देन इंडिया एंड रशिया साइंड 7 MOU एट डिफेंस एक्सपो 2018. तो चेन्नई में जो डिफेंस एक्सपो हुआ था उसके अंदर भारत और रशिया ने 7 ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए. तो इंडिया रशिया साइंड 7 MOUs एट डिफेंस एक्सपो एट चेन्नई तमिलनाडु. दीज MOUs वर साइंड बिटवीन इंडियन प्राइवेट डिफेंस सेक्टर मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज एंड रशियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स. तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि डिफेंस एक्सपो के अंदर इंडिया और रशिया ने कितने MOUs के ऊपर साइन किया? तो योर आंसर वुड बी 7, या 7 MOUs के ऊपर इंडिया और कौन से देश ने साइन किया MOU? तो आपका आंसर हो सकता है रशिया. आगे बढ़ेंगे. NHAI नहाई साइंस अग्रीमेंट फॉर इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट. तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट जो है इसको साइन किया है, जहां पर इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे जो है इसको बनाया जाएगा. द प्रोजेक्ट हैज बीन फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर नहाई विद मिसर्स पुंज लॉयड लिमिटेड वराहा इंफ्रा लिमिटेड साइंड अग्रीमेंट फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ यगई कलेवा सेक्शन ऑफ हाईवे इन म्यांमार टू 2 लेन्स विद अर्थन शोल्डर. आगे बढ़ेंगे तो यहां पर जानेंगे यूएस ब्रिटेन एंड फ्रांस लॉन्च मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट सीरिया. तो यहां पे सीरिया के अंदर आईएसआईएस के खात्मे के लिए बशर अल असद के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स ब्रिटेन और फ्रांस ने मोर्चा संभाल लिया है, और दूसरी तरफ रशिया टर्की और ईरान जो है एक तरफ है जो बशर अल असद का साथ दे रहा है, और दूसरी तरफ यूएस ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो बशर अल असद के खिलाफ है. तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज. आगे चलेंगे. MOU साइन बिटवीन द गिफास फ्रांस एंड द सिडम इंडिया. MOU वॉज साइन बिटवीन द ग्रुपमेंट डेस्ट इंडस्ट्रीज फ्रांसियास एरोनॉटिक्स एट सपेटल्स गिफास फ्रांस एंड द सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इंडिया फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल फ्रेमवर्क फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर पार्टनरशिप एज वेल एज कोऑपरेटिव एक्शंस बिटवीन द फ्रेंच एरोस्पेस इंडस्ट्री एंड द इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री. तो फ्रेंच का एरोस्पेस इंडस्ट्री गिफास और इंडिया का डिफेंस इंडस्ट्री SIDM के मध्य एक समझौता हुआ है, जहां पर ये ठीक ठीक नाम जो है आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में. देन इंडिया वीस बेडन कॉन्फ्रेंस 2018 हेल्ड इन न्यू दिल्ली. वीस बेडन जो है जर्मनी में एक शहर का नाम है. तो इंडिया वीस बेडन कॉन्फ्रेंस 2018 जो है वो कहां पर हुआ? रिसेंटली न्यू दिल्ली के अंदर हुआ. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर विदेश मंत्री के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया, और ये कहां पर हुआ? न्यू दिल्ली के अंदर हुआ. द टाइटल ऑफ इंडिया वीस बेडन कॉन्फ्रेंस इज सिक्योरिंग ग्लोबल सप्लाई चेन थ्रू
government industry partnership towards effective implementation of UNSC resolution 1540. तो यहाँ पर फिक्की के द्वारा इसको organize किया गया और वो partner था इस event का. Then road safety trust fund launched by United Nation. तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा road safety trust fund का निर्माण किया गया कि road accidents और दुर्घटनाओं से बचने के लिए इस fund का इस्तेमाल किया जा सके. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोड सेफ्टी ट्रस्ट फंड जो है इनमें से किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली एस्टैब्लिश किया है, तो योर आंसर वुड बी यूनाइटेड नेशंस. आगे चलेंगे, नेपाल सेलिब्रेट बिस्किट जत्रा. इन नेपाल द फेमस बिस्किट जत्रा इज बींग सेलिब्रेटेड इन भक्तापुर एंड अदर पार्ट ऑफ काठमांडू वैली. It is believed that the festival started during Malla dynasty. The 9-day annual festival marks beginning of Nepali New Year. तो नेपाली नववर्ष की शुरुआत होती है बिस्किट जत्रा फेस्टिवल से जो काठमांडू और उसके घाटियों में मनाया जाता है. स्वाजीलैंड के किंग ने वो अपने देश का नाम स्वाजीलैंड का नाम चेंज कर दिया और स्वाजीलैंड का नाम क्या पड़ा है, किंगडम ऑफ ई स्वातिनी. स्वाजीलैंड जो अफ्रीका का एक देश है जहां पर रिसेंटली हमारे राष्ट्रपति महोदय भी गए, तो स्वाजीलैंड के किंग एम स्वाति ने अपनी कंट्री का नाम चेंज कर रखा है किंगडम ऑफ ई स्वातनी. देन एससीओ मीटिंग्स अटेंडेड बाय सुषमा स्वराज एंड निर्मला सीतारमन. तो देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया और पाकिस्तान 2017 में मेंबर बना था. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है. 2001 में यह एस्टैब्लिश हुआ था. 8 मेंबर्स इसके सदस्य हैं. इसका मेन मीटिंग जून में होना है क्विंगडाओ चाइना में, लेकिन इसका डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर की समिट को रिसेंटली बीजिंग में किन्होंने अटेंड किया है, तो उसको अटेंड किया है सुषमा स्वराज और निर्मला सीतारमन ने. उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एक अनौपचारिक सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले, कहां पर, वुहान सिटी में. इनफॉर्मल समिट वहीं पर अटेंड किया. उसके बाद एससीओ का जो मेन समिट है जून में जो क्विंगडाओ में होगा वहां पर भी जाएंगे. देन इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम IONS 2018. तो सिक्स्थ एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम वॉज होस्टेड बाय ईरान तेहरान. द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इज लीडिंग अ 4 मेंबर इंडियन डेलीगेशन. तो नेवल स्टाफ के जो चीफ हैं उनके द्वारा एक चलाया गया इस चीज को और आगे लेकर जाया गया और यहाँ पे 4 मेंबर का डेलीगेशन जो है इंडिया की तरफ से गया लेड बाय, तो हमारे जो नेवल चीफ है उनके द्वारा लेड किया गया. और ये कहां पर हुआ, ईरान की कैपिटल तेहरान में हुआ और इंडियन नेवी ने इसकी शुरुआत करी थी 2008 से और हर 2 वर्ष के बाद इसको मनाया जाता है. और रिसेंटली इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम कहां पर हो रहा है, तेहरान द कैपिटल ऑफ ईरान. Then Business Beyond Borders International SME Convention 2018 begins in New Delhi. So representative from 37 countries will participate in the first ever international small medium enterprise convention held in New Delhi. तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि business beyond borders, अगर व्यापार करना है तो borders को cross करना है और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय small medium enterprise convention जो है वो कहाँ पर हुआ, न्यू दिल्ली के अंदर हुआ, जहां पर कौन कौन सी कंट्रीज है देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडोनेशिया, केन्या, कोरिया, मलेशिया, नाइजीरिया, फिलीपींस, पोलैंड, रशिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका एंड यूएई. तो आगे बढ़ेंगे, कनाडा एंड यूरोपियन यूनियन टू होस्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग. तो बहुत इंपॉर्टेंट खबर, कनाडा एंड द यूरोपियन यूनियन आर ऑल सेट टू होस्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन कनाडा. कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड मेड दिस अनाउंसमेंट. फीमेल फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रॉम अराउंड 30 कंट्रीज. तो जो 30 देशों की विदेश मंत्री, जो महिला विदेश मंत्री, जैसे हमारे इंडिया की सुषमा स्वराज इस मीटिंग को हेड करेंगी, तो 30 कंट्रीज की महिला विदेश मंत्री को यहां पर इन्वाइट किया गया कैनेडा में, अलॉन्ग विद यूरोपियन यूनियन की मदद से फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग जो है वो की जाएगी, जहां पर एक वैश्विक बहस होगी वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर, महिला सशक्तिकरण के ऊपर. सुषमा स्वराज अटेंडेड मीटिंग ऑफ इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट कमेटी. तो देखिए, सुषमा स्वराज जी अभी रिसेंटली एससीओ की फॉरेन मिनिस्ट्री को अटेंड करने के बाद मंगोलिया देश के दौरे पे गई, जहां पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज अटेंडेड द 6th राउंड ऑफ इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट कमेटी मीटिंग विद हर मंगोलियन मेट दमदिन सोगबटार इन उलान बटार. तो मंगोलिया की कैपिटल उलान बटार के अंदर उन्होंने ये मुलाकात करी, जहां पर मीटिंग डिस्कस अबाउट द ट्रेड, व्यापार, आर्थिक, कल्चरल, साइंटिफिक कोऑपरेशन के ऊपर बात करी. और 42 सालों के बाद फर्स्ट विदेश मंत्री बनी है सुषमा स्वराज, जिन्होंने मंगोलिया का दौरा किया है. देन इंडिया रैंक्स 138 इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट. तो देखिए, प्रेस की आजादी, मीडिया की कितनी आजादी है उसके अंदर, उस इंडेक्स, उस सूचकांक के अंदर इंडिया का रैंक 138, सबसे नीचे नॉर्थ कोरिया, सबसे ऊपर नॉर्वे का नाम है, नंबर 1 नॉर्वे, सबसे नीचे नॉर्थ कोरिया. 180 कंट्रीज का यह सर्वे हुआ, 180 नंबर पे नॉर्थ कोरिया और इंडिया का स्थान 138. लास्ट ईयर इंडिया 136 पे था, इस बार 2 स्थान नीचे गिरकर 138. आगे बढ़ेंगे, इंडिया नेपाल आईजीसी मीटिंग बिगिंस. इंडिया नेपाल इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग
on trade and cooperation to control unauthorized trade has been started in Kathmandu. आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया नेपाल का इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग जो है कहां पर हुआ, तो वह कमेटी का मीटिंग कहां पर हुआ, काठमांडू में. कमर्स सेक्रेटरी रीता टियोटिया लेट द इंडियन साइड, भारतीय साइड की तरफ से कमर्स सेक्रेटरी जो है रीता टियोटिया को भेजा गया. द पर्पस ऑफ दिस मीटिंग विल बी ऑन स्ट्रेंथनिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन बोथ द कंट्रीज. तो व्यापार और निवेश के ऊपर ध्यान दिया गया इस मीटिंग के अंदर, जिसका आयोजन कहां पर हुआ, काठमांडू में हुआ. इंडिया अग्रीड टू सेंड बुद्धिस्ट एंटीक फॉर वैसाक इन श्रीलंका. श्रीलंका में बुद्धिस्ट का एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है वैसाक. तो सारनाथ से कुछ एंटीक, कुछ अवशेष को भेजेगी भारत. इसके ऊपर तैयार हो चुकी है भारत. तो इंडिया हैज अग्रीड टू सेंड बुद्धिस्ट रिलिक्स. रिलिक्स का मतलब एंटीक, कुछ अवशेष जो है उनको भेजा जाएगा, जो सारनाथ के अवशेष है, जो श्रीलंका के अंदर एक फेस्टिवल मनाया जाएगा वैसाक फेस्टिवल, वहां पर इसको भेजा जाएगा. देन नियुक्ति की तरफ बढ़ते हैं और फटाफट कुछ नियुक्तियों को करते हैं. देवजानी घोष बनी है नैसकॉम की प्रेसिडेंट. मैं फटाफट इन चीजों को कराऊंगा. देवजानी घोष बनी है नैसकॉम की प्रेसिडेंट. नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज की प्रेसिडेंट कौन बनी है, देवजानी घोष. चंद्रभूषण हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर. तो देखिए सबसे ऊपर होते चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो भी कौन है, ओम प्रकाश रावत. उनके नीचे होते इलेक्शन कमिश्नर दो, उनके नीचे होते हैं डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, और वो कौन बने हैं, चंद्रभूषण बने हैं. आगे जानेंगे. संजीव नौटियाल अपॉइंटेड एज न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के न्यू एमडी और सीईओ कौन बने हैं, संजीव नौटियाल, जो एक टाइम पर पीओ हुआ करते थे, आज वो एमडी एंड सीईओ है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के, उसका नाम है संजीव नौटियाल. देन सुब्रता भट्टाचार्य अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सर्बिया. भारत की तरफ से सर्बिया का दूत बनाकर किसे भेजा गया है, सुब्रता भट्टाचार्य को भेजा गया है. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा ये अपॉइंटमेंट हुई है. और सुब्रता भट्टाचार्य कौन है, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर. देन जूलियस माडा बायो इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ सियरा लियोन. सियरा लियोन नाम के देश के राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं, जूलियस माडा बायो जो है वो बनाए गए हैं उनके राष्ट्रपति, सियरा लियोन. आगे जानेंगे. बान की मून इलेक्टेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ बोआओ फोरम. तो फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून, जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, बोआओ फोरम, बीएफए, बोआओ फोरम फॉर एशिया, बोआओ फोरम फॉर एशिया, बीएफए जो है उनके न्यू चेयरमैन बनाए गए हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अपॉइंटमेंट. देन ऋषभ प्रेम जी, द सन ऑफ फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन अजीम प्रेम जी के बेटे ऋषभ प्रेम जी को अपॉइंट किया गया है एज चेयरमैन ऑफ नैसकॉम. वो प्रेसिडेंट थी, देवजानी घोष प्रेसिडेंट थी, और ये कौन है, नैसकॉम के चेयरमैन है ऋषभ प्रेम जी. कंफ्यूज मत करिएगा, नोट डाउन करिएगा, रिप्ले भी कर सकते हैं आप. यहां पर जल्दी से जाना पड़ेगा हमें. बलराम भार्गव हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डीजी ऑफ आईसीएमआर. तो बलराम भार्गव को न्यू डायरेक्टर जनरल बनाया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का न्यू डीजी डायरेक्टर जनरल किनको बनाया गया, बलराम भार्गव को. आगे चलेंगे. आईपीएस ऑफिसर राजेश रंजन हैज appointed at DG of CISF, Central Industrial Security Force, जो industries और airport की सुरक्षा प्रदान करता है. CISF के new DG कौन बनाए गए हैं, राजेश रंजन, IPS officer. आगे चलेंगे. भानु प्रताप शर्मा has been appointed as chairman of Bank Board Bureau, Triple B, Bank Board Bureau के new chairman कौन बने हैं, भानु प्रताप शर्मा. किनको रिप्लेस किया, former CAG, former CAG, विनोद राय को इन्होंने रिप्लेस किया. आगे चलेंगे. श्री प्रिया रंग Nathan has been appointed as the next ambassador of India to the Republic of Korea. कोरिया के लिए भारत की तरफ से दूत बनाकर किनको भेजा जाएगा, श्री प्रिया रंगनाथन को भेजा जाएगा. आगे चलेंगे. लेफ्टिनेंट जनरल पीपी मल्होत्रा अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी. नेशनल कैडेट कॉर्प्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल पीपी मल्होत्रा. बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज है. दिलीप चुनॉय अपॉइंटेड एज फिक्की सेक्रेटरी जनरल. फिक्की के सेक्रेटरी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के न्यू सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं, दिलीप चुनॉय बने हैं. आगे चलेंगे. मिगुल डियाज कैनेल अपॉइंटेड एज क्यूबाज न्यू प्रेसिडेंट. एक जमाने में क्यूबा को शुगर बाउल कहा जाता था, क्यूबा की कैपिटल हवाना, और क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, मिगुल डियाज कैनेल जो है वहां के नए राष्ट्रपति बने हैं. अगला, करण जौहर बिकम फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर. बहुत सारे हीरो हीरोइंस के मैडम तुसाद के अंदर मोम की प्रतिमा लगी है, लेकिन करण जौहर पहले फिल्म मेकर है, पहले डायरेक्टर कह सकते हैं आप, वो है जिनकी प्रतिमा लगेगी मैडम तुसाद के अंदर, जो लंदन के अंदर इनका मेन सेंटर है. देन मारियो बेनिटेज हैज बीन इलेक्टेड एज पराग्वेज प्रेसिडेंट. पराग्वे एक देश का नाम है जिसके नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, मारियो बेनिटेज. आगे चलेंगे.
इंदु मल्होत्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट जज. पहली महिला वकील बनी है इंदु मल्होत्रा जिनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया. पहली महिला वकील, फर्स्ट वुमेन एडवोकेट टू बिकम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इंदु मल्होत्रा. नाम मत भूलिएगा. द वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स 2018 मुकेश अंबानी रैंक्स 24. फॉर्च्यून मैगजीन के अनुसार रिचेस्ट इंडियन मुकेश अंबानी को 24वां रैंक दिया गया है. ह्यूमन राइट्स लॉयर इंदिरा जयसिंह को 20वां रैंक मिला है. और वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ 2018 फॉर्च्यून के अकॉर्डिंग 50th ग्रेटेस्ट लीडर्स के अंदर हमारे इंडिया के फेमस आर्किटेक्ट जिनको पृथ्वीगर प्राइस दिया गया था, बालकृष्ण दोषी, उनको भी रखा गया. तो तीन इंडियंस को ग्रेटेस्ट लीडर्स के तौर पे रखा गया है फॉर्च्यून मैगजीन के अंदर. उन तीनों के नाम मुकेश अंबानी, इंदिरा जयसिंह और थर्ड इज बालकृष्ण दोषी. मत भूलिएगा इनके नाम. देन गौरी शेरोन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर हरियाणाज हेल्थ प्रोग्राम. तो हरियाणा के अंदर मीजल्स और रुबेला को खत्म करने के लिए शूटर गौरी शेरोन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है. बिजनेस फाइनेंस न्यूज की तरफ चलेंगे, व्यापार तथा वित्त समाचार की तरफ. इंडियन आर्मी ने एचडीएफसी बैंक के साथ एमओयू साइन किया है. पूछ सकते हैं सिंपल सा क्वेश्चन कि रिसेंटली इंडियन आर्मी ने किस बैंक के साथ डिफेंस सैलरी पैकेज को लेकर एक अग्रीमेंट साइन किया, एमओयू साइन किया है. तो योर आंसर वुड बी एचडीएफसी बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक. देन आरबीआई स्विचेस बैक फ्रॉम जीवीए मॉडल टू मेजर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड को अपनाती थी जिसके अंदर सिर्फ प्रोड्यूसर सेक्टर को देखा जाता था, लेकिन अब वो ग्लोबल लेवल पे जिस मेजर को अपनाया जाता है जिसको बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेथड को अपनाया जाता है, उसकी तरफ स्विच ऑफ करेगी. और यहां पर जीडीपी को आरबीआई जो है फिर से लेकर आएगी और जीडीपी को ही नापा जाएगा हमारे इंडिया के नेशनल इनकम और हमारे इंडिया के ग्रोथ रिपोर्ट को तय करने में. देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू इन्वेस्ट अ सम ऑफ रुपीज 80 बिलियन इन नेपाल्स 900 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. तो देखिए यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये आपको याद रखना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस देश के 900 मेगावाट बिजली के लिए मदद देगा $80 बिलियन का. तो नेपाल के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितना देगा, $80 बिलियन की सहायता देगा. आगे चलेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक बिकम सेकेंड मोस्ट वैल्यूड बैंक. तो कोटक महिंद्रा बैंक रिप्लेस्ड एसबीआई टू बिकम इंडिया सेकेंड मोस्ट वैल्यूड लेंडर आफ्टर एचडीएफसी बैंक इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन. तो बाजार पूंजी के हिसाब से एसबीआई को पछाड़ते हुए एचडीएफसी बैंक के बाद सेकेंड नंबर पे कोटक महिंद्रा बैंक जो है मोस्ट वैल्यूड कंपनी बना है. आपको याद रखना है. येस बैंक लॉन्च ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो यहां पर किया है. और ओडी कहां तक ले सकते हैं, ₹1 करोड़. ये याद रखिएगा, येस बैंक के द्वारा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी कितने करोड़ तक, 1 करोड़ तक दिया जाएगा. और यहां पर जीएसटी रिटर्न और एनुअल टर्नओवर को भी देखा जाएगा. ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है उस पैसे से अधिक आपको लोन अवेल करवाया जा सके और आपको वित्तीय सहायता दी सके. मान लीजिए मेरे अकाउंट में 20,000 है और बैंक मुझे 50,000 देने को तैयार हो जाए तो उस फैसिलिटी को हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं, जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बैंक जरूर चार्ज करेगी. नबार्ड अप्रूव्ड ₹14,690 करोड़ फंडिंग टू राजस्थान. तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हैज एक्सटेंडेड टोटल क्रेडिट सपोर्ट ऑफ ₹14,619 करोड़ टू राजस्थान, जहां पर रूरल एरियाज और किसानों को हेल्प करने के लिए यह सहायता नबार्ड किसको देगा, राजस्थान को 14,690 करोड़ की सहायता. देन आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक साइंड एन अग्रीमेंट फॉर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी सर्विस विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड. विद दिस कॉन्ट्रैक्ट द आईओबी ब्रांचेस विल बी एबल टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट्स एंड डिफॉल्ट्स दैट विल हैव मोर ट्रांसपेरेंसी इन मेंटेनिंग लिस्ट ऑफ बोरोवर्स डेटर्स क्रेडिटर्स एंड लोन डिफॉल्टर्स. तो यहां पर आईओबी जो है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज के साथ मिलकर एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जो प्रदान कर सकेगा जिससे डिफॉल्टर्स क्रेडिटर्स डेटर्स मतलब उन सभी का पता लग सकेगा जो आने वाले समय में बैंक को एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो क्रिएट करवा सकता है. मतलब आने वाले समय में बैंकों को ज्यादा घाटा नहीं होगा अगर इन फैसिलिटीज को वो अवेल करते हैं. आगे एडीबी विल गिव एन एड ऑफ ₹1,700 करोड़ टू उत्तराखंड. तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अग्रीड टू प्रिंसिपल टू गिव ₹1,700 करोड़ तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है और उन्होंने उत्तराखंड की सहायता के लिए वहां पे सीवरेज सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 1700 करोड़ देने की घोषणा करी.
गई है और ये समझौता जो है एडीबी के एरिया चीफ और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत के मध्य ये समझौता हुआ। डिफेंस साइंस और टेक्नोलॉजी की न्यूज की तरफ चलेंगे, रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी न्यूज की तरफ चलेंगे। और उस न्यूज की तरफ बढ़ने से पहले, दिल्ली बिकम्स फर्स्ट इंडियन सिटी टू रोल आउट यूरो 6 फ्यूल। यूरो 6 फ्यूल जिसको भारत में BS6 बोला जाता है, भारत स्टेज 6 मॉडल बोला जाता है, मतलब इंजन फ्यूल जो है उसका मतलब ज्यादा जो है नुकसान नहीं होगा। अभी रिसेंटली ऑल ओवर इंडिया में BS4 इंजन चल रहा है, लेकिन दिल्ली जहां पर पोल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा है वो BS6 इंजन को अप्लाई कर चुका है दिल्ली NCR रीजन में, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे यूरो 6 लेवल के बराबर आता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि BS6 इंजन को इस्तेमाल करने वाला, BS6 फ्यूल स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करने वाला हमारे देश का पहला शहर कौन बना है, तो दिल्ली बना है और वो किसके इक्विवेलेंट है, यूरो 6 के। और BS का मतलब क्या होता है, भारत स्टेज। आगे कतर इंट्रोड्यूस नेशनल सर्विस फॉर वुमेन, तो कतर टुक एक्शन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वुमेन टू ज्वाइन नेशनल सर्विस, तो राष्ट्रीय सेवा करने के लिए कतर की महिलाएं अब आगे आ सकती हैं। शेख तमीम बिन हमद अल थनाई करंट एमिर ऑफ कतर इश्यूड दिस लॉ ऑन नेशनल सर्विस, एज पर द लॉ वुमेन अबव एज ऑफ 18 कैन पार्टिसिपेट फॉर नेशनल सर्विस, तो 18 साल से अधिक की महिलाएं जो है वो राष्ट्रीय सेवा के लिए अब कतर में आगे आ सकती है। देन इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट बिगेस्ट कॉम्बैट एक्सरसाइज गगन शक्ति, तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा रिसेंटली एक अभ्यास किया गया गगन शक्ति अलोंग विद चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर, जहां आने वाले संकट से हम लड़ सकें और निपट सकें। देन रिलायंस जियो रेजेस रुपीज 3250 करोड़ 3250 करोड़ फ्रॉम जापान बेस्ड बैंक्स, तो रिलायंस जियो हैज साइंड एन अग्रीमेंट टू रेज नियरली रुपीज 3250 करोड़ एज समुराई टर्म लोन फ्रॉम जापानीज बैंक्स, इट हैज साइंड अप्रोक्सीमेटली JPY 53.5 बिलियन समुराई टर्म लोन विद 7 ईयर बुलेट मैच्योरिटी, दिस डील इज सेड टू बी द लार्जेस्ट समुराई लोन लो इंटरेस्ट। समुराई लोन का मतलब क्या होता है, लो इंटरेस्ट लोन्स फ्रॉम जापानीज इन्वेस्टर्स फॉर एन एशियन कॉर्पोरेट कंपनी, दिस फैसिलिटी हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय मिजो बैंक, तो आपको याद रखना है कि रिलायंस जियो ने 3250 करोड़ का लोन जो है वो जापान के बैंक से लिया है लो इंटरेस्ट के ऊपर, जिसको सामुराई लोन बोला जाता है। आगे L&T एंड BEL साइंड MOU फॉर डिफेंस प्रोडक्ट्स, तो रक्षा उत्पादन के लिए लार्सन एंड टूब्रो एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड साइंड MOU टू सर्व द नीड्स ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट्स फॉर डिफेंस प्रोडक्ट्स, द MOU सीक्स टू सपोर्ट द कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ फर्म्स फॉर मीटिंग द ग्रोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, तो आपको याद रखना है कि भारतीय एयरफोर्स के डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए L&T और BEL जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने एक समझौता जो है उसको साइन किया। देन बाई एनुअल आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली, तो द्विवार्षिक मिनिस्टर स्टेट फॉर डिफेंस सुभाष भामरे डिलीवर्ड ओपनिंग एड्रेस ऑफ द बाइनुअल आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, तो ये कहां पर हुआ, और कॉन्फ्रेंस वॉज चेयर्ड बाय चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तो आर्मी कमांडर्स का जो कॉन्फ्रेंस है जो हर 2 वर्ष के बाद होता है, इस वर्ष ये कहां पर हुआ, दिल्ली के अंदर हुआ। सागर कवच एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जो कहां पर हेल्ड हुआ, केरला के अंदर। सागर कवच जो एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है वो कहां पर हेल्ड हुआ, तो वो इंडियन नेवी के साथ वो हेल्ड हुआ केरला के अंदर, उसको हेल्ड किया गया। एक्सरसाइज हरिमो शक्ति इंडिया मलेशिया का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, संयुक्त सैन्य अभ्यास मलेशिया के साथ हरिमो शक्ति को किया गया। देन पुरस्कार की तरफ बढ़ेंगे, अवार्ड की तरफ बढ़ेंगे, श्री कुमारन थंपी टू गेट 25 जेसी डेनियल अवार्ड, तो श्री कुमारन थंपी जो एक लिरिसिस्ट और डायरेक्टर है जेसी डेनियल, जिनको केरला मलयालम फिल्म का पिता कहा जाता है, फादर फाउंडर कहा जाता है, उनको ये अवार्ड दिया गया श्री कुमारन थंपी को, जेसी डेनियल अवार्ड। देन आगे बढ़ेंगे, अनुष्का शर्मा टू रिसीव दादा साहेब फाल्के फाउंडेशन अवार्ड, मैं बार बार अपने शो के माध्यम से कह चुका हूं कि देयर आर टू दादा साहेब फाल्के, एक दादा साहेब फाल्के अवार्ड देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इस साल विनोद खन्ना जी को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और एक दादा साहेब फाल्के फाउंडेशन अवार्ड है जो मुंबई में बेस्ड है, वो अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड देती है, और फाल्के फाउंडेशन अवार्ड किनको मिला, अनुष्का शर्मा जी को। लेट वेटरन एक्टर विनोद खन्ना, देखिए ये खबर आ गई है, विनोद खन्ना हैज बीन अवार्डेड विद दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया विनोद खन्ना जी को। आगे चलेंगे, फेमस एक्टर वीरू धर्मेंद्र टू रिसीव राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो राज कपूर जी के नाम पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको दिया गया, फेमस एक्टर धर्मेंद्र को दिया गया। देन अदिति राव हैदरी टू बी ऑनर्ड विद दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंट अवार्ड, अनुष्का शर्मा को फाउंडेशन अवार्ड दिया गया और दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंट अवार्ड किनको दिया गया, अदिति राव हैदरी को। तो आप टाइटल के ऊपर जरूर गौर करिएगा, आपको फर्क जरूर पता लग जाएगा। मध्य प्रदेश कंफर्ड मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड, और नेशनल फिल्म अवार्ड के अंदर
मध्य प्रदेश राज्य को सबसे ज्यादा फिल्म फ्रेंडली अवार्ड दिया गया कि ये स्टेट जो है फिल्म फ्रेंडली है और यहां पर कहीं ना कहीं टैक्स के अंदर छूट और एक्टर्स डायरेक्टर्स इनको एक अच्छा माहौल मिलता है, इस वजह से ये अवार्ड दिया गया। देन राकेश रोशन टू गेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, राकेश रोशन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया एट दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड। तो दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राकेश रोशन को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दादा साहेब फाल्के अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद खन्ना जी को। आगे चलेंगे, इजिप्शियन फोटो जर्नलिस्ट विंस 2018 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। तो 2018 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज इजिप्शियन फोटो जर्नलिस्ट महमूद अबू जायद को मिला, नोन एज शौकान, इनको शौकान के नाम से भी जाना जाता है। आगे CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो हमारे इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको मिला है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड। नेशनल बौद्धिक संपदा प्रॉपर्टी अवार्ड जो है वो किनको दिया गया है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR को ये अवार्ड प्रदान किया गया। खेल समाचार की तरफ बढ़ेंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स इस महीने का मतलब अप्रैल महीने का सबसे बड़ा न्यूज, और खेल समाचार की तरफ बढ़ेंगे तो मिथाली राज डिक्लेयर्ड एज स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, तो मिथाली राज को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द अवार्ड दिया गया। किदांबी श्रीकांत पीवी सिंधु को बेस्ट सीनियर मेल और फीमेल एथलीट का अवार्ड दिया गया, और यहां पर दिस अवार्ड वॉज कन्फर्ड बाय बीपी बापा राव। आगे चलेंगे, साइखौम मीराबाई चानू वॉन्स इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स। तो कॉमनवेल्थ की बहुत सारी खबरें हैं, तो देखिए 21st एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर हुआ, गोल्ड कोस्ट के अंदर हुआ, गोल्ड कोस्ट के अंदर हुआ। इसके मैस्कट का नाम क्या रहा, तो इसके मैस्कट का नाम रहा बोरोबी द कुआला बियर। ओपनिंग सेरेमनी के अंदर भारत की तरफ से झंडा किसने फहराया, झंडा लेकर आगे कौन चली, पीवी सिंधु। क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर भारत का झंडा लेकर कौन चली, तो मैरीकॉम, एमसी मैरीकॉम। देन इंडिया का कितना स्थान रहा मेडल टैली में, तीसरा स्थान रहा विद 66 मेडल टोटल, 26 गोल्ड 20 सिल्वर 20 ब्रॉन्ज, टोटल 66 मेडल इंडिया का तीसरा स्थान। नंबर वन पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर सेकंड पे इंग्लैंड, नंबर थर्ड पे इंडिया विद टोटल 66 मेडल्स। भारत को पहला गोल्ड मेडल किसने जिताया, तो मणिपुर की साइखौम मीराबाई चानू, जो वेट लिफ्टर है 48 kg किलोग्राम की। आगे दीपक लाथर बिकम्स यंगेस्ट वेट लिफ्टर टू विन मेडल इन CWG। तो सबसे यंगेस्ट वेट लिफ्टर कौन जिसने मेडल जीता, दीपक लाथर जो 18 वर्ष के। उसके बाद वेट लिफ्टर सतीश शिवलिंगम विंस थर्ड गोल्ड इन CWG 2018। तो वेट लिफ्टर सतीश शिवलिंगम जो है वो अभी तक 3 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। मनु भाकर क्लेम 10 मीटर पिस्टल गोल्ड इन CWG, तो सेकंड यंगेस्ट बनी है 16 वर्ष की मनु भाकर, जिन्होंने 10 मीटर पिस्टल के अंदर गोल्ड मेडल जीता, और बहुत ही फेमस शूटर हीना सिद्धू को पीछे छोड़ा, और दूसरे नंबर पे हीना सिद्धू रही, पहले नंबर पे कौन रही, तो मनु भाकर का नाम रहा। देन इंडियन वुमेन्स टीटी टीम टेबल टेनिस की टीम जो है बहुत बहुत देर के बाद इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इंडियन वुमेन टेबल टेनिस टीम वॉन द फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन 21st कॉमनवेल्थ गेम्स डिफीटिंग सिंगापुर। सिंगापुर को हराते हुए टेबल टेनिस की टीम ने, वुमेन्स टीम ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता। इंडियन मेन टीटी टीम विंस गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018। इंडिया क्लिंच गोल्ड, तो दोनों टीम के अंदर टेबल टेनिस, मेन्स टेबल टेनिस की टीम, वुमेन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता, और यहां पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जब वुमेन और मेन्स टीम टेबल टेनिस के अंदर उन्होंने एक साथ गोल्ड मेडल जीता हो। हीना सिद्धू विंस गोल्ड मेडल इन 25 मीटर पिस्टल इवेंट इन CWG। तो ये जितने भी नाम है बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स है जो हम अपने करंट अफेयर्स द वेकअप शो के अंदर कर चुके हैं, तो प्लीज इसको गौर फरमाइएगा। देन इंडिया विन बैडमिंटन टीम गोल्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन CWG हिस्ट्री। तो कॉमनवेल्थ गेम्स की हिस्ट्री में पहली बार बैडमिंटन के अंदर भी हमने टीम गोल्ड मेडल जो है उसको जीता। शूटर श्रेयसी सिंह वॉन 12th गोल्ड इन CWG 2018। तो भारत की तरफ से 12वां गोल्ड जो है वो श्रेयसी सिंह ने जीता शूटिंग के अंदर। तो यहां पर श्रेयसी सिंह ने कौन से गेम के अंदर जीता, तो शूटिंग के अंदर, डबल ट्रैप के अंदर इन्होंने ये जीता। देन सुशील कुमार वॉन गोल्ड मेडल इन रेसलिंग। तो बहुत ही बड़े प्लेयर सुशील कुमार ने भी गोल्ड मेडल जीता अपने नाम के अनुरूप उन्होंने। देन ओम प्रकाश मिठरवल वॉन ब्रॉन्ज इन शूटिंग इन CWG। तो CWG से रिलेटेड जितनी भी हिस्ट्री है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहां पर ओम प्रकाश मिठरवल और अनीश भानवाला जो है वो सबसे कम उम्र के कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट है, विनर है, जिन्होंने सबसे कम उम्र में ये मेडल जीता, 15 वर्ष की उम्र में, मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं अभी ये। आगे चलेंगे, मैरीकॉम फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सिंग टू वॉन CWG बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग में आज तक किसी वुमेन ने इंडिया की तरफ से मेडल नहीं जीता था, मैरीकॉम ने वो मुकाम भी हासिल कर लिया, और 3 बच्चों की मदर मैरीकॉम। साइना नेहवाल वॉन सेकेंड CWG गोल्ड मेडल इन 2018। और साइना नेहवाल ने भी अपने नाम के अनुरूप पीवी सिंधु को हराते हुए ये गोल्ड मेडल जीता, यहां पे साइना नेहवाल। देन डेनियल रिकार्डो वॉन चाइनीज ग्रैंड प्री, फॉर्मूला 1 रेडबुल की टीम के डेनियल रिकार्डो ने
चाइनीज ग्रैंड प्री को जीता, रिसेंटली अजरबैजान ग्रैंड प्री हुआ, लुइस हैमिल्टन ने जीता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। राफेल नडाल टू विन मोंटे कार्लो मास्टर्स को राफेल नडाल नाम के फेमस टेनिस प्लेयर ने इसको जीता। बार्सिलोना का टाइटल, बार्सिलोना टेनिस टाइटल भी राफेल नडाल ने ही जीता। इंडिया विंस 8th साउथ एशियन जूडो चैंपियनशिप, तो रिसेंटली ये जूडो चैंपियनशिप कहां पर हुआ, काठमांडू नेपाल में, और इंडिया ने इसको जीता, इस कॉम्पिटिशन को। देन इंपॉर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिवस, 1 अप्रैल ओडिशा फॉर्मेशन डे, तो उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है ओडिशा डे 1 अप्रैल। देन 5 अप्रैल नेशनल मैरिटाइम डे, तो इसका थीम क्या रखा, इंडियन शिपिंग एंड ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी। देन 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, और इसका थीम क्या रखा, तो स्लोगन रखा हेल्थ फॉर ऑल। आगे चलेंगे, अप्रैल 10 वर्ल्ड होम्योपैथी डे रखा, और इसका थीम क्या रखा, इनोवेट इवॉल्व प्रोग्रेस एक्सप्लोरिंग साइंस सिंस 40 इयर्स। होम्योपैथी डे, जर्मन के बहुत फेमस साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनमैन ने होम्योपैथी की खोज करी थी, और इसका थीम भी हमने किया। 10 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 14 अप्रैल डॉक्टर बी आर अंबेडकर जयंती, महो में उनका जन्म हुआ, 127th बर्थ एनिवर्सरी हमने मनाया, और इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और हमारे भारत के पहले विधि कानून मंत्री लॉ मिनिस्टर डॉक्टर बी आर अंबेडकर। वो अप्रैल 17 वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे इज रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ हीमोफीलिया एंड अदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है हीमोफीलिया ऑन अप्रैल 17, और इसका थीम क्या रखा, शेयरिंग नॉलेज मेक्स अस स्ट्रॉन्गर। आगे चलेंगे, अप्रैल 18 वर्ल्ड हेरिटेज डे, तो विरासत दिवस जो है, और इसका थीम क्या रखा, हेरिटेज फॉर जनरेशन। अप्रैल 18 वर्ल्ड हेरिटेज डे, और इसका थीम क्या रखा, हेरिटेज फॉर जनरेशन। और आगे चलेंगे, अप्रैल 22 वर्ल्ड अर्थ डे, और वर्ल्ड अर्थ डे का क्या रखा, एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसका थीम रखा 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे। 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन अप्रैल 23 टू प्रोवाइड पीपल विद मेनी आइडियाज एंड प्लान्स टू मेक देम अवेयर ऑफ द सिचुएशन एंड कंडीशन इन द वर्ल्ड। 23 अप्रैल इज अ सिंबॉलिक डेट फॉर वर्ल्ड लिटरेचर। ऑन दिस डेट इन 1616 सर्वेंट्स शेक्सपियर एंड इंका गैरस्क्लो दी ला वेगा ऑल डाइड। द वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2018 इज एथेंस, और इस साल का वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे बनाया गया है, एथेंस ग्रीस को। आगे चलेंगे, 24 नेशनल पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल 1993 को हमारा जो 73rd अमेंडमेंट है उसको इंप्लीमेंट किया गया था, इस वजह से इसको मनाया जाता है नेशनल पंचायती राज दिवस को। आगे जाएंगे, अप्रैल 26 वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो मनाया जाता है 26 अप्रैल को मनाया जाता है, और यहां पर इंटेलेक्चुअल बौद्धिक संपदा जो है इसके यादगारी में ये डे मनाया जाता है, और इसका थीम क्या रखा इस साल का, पावरिंग चेंज वुमेन इन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। आगे चलेंगे बुक्स एंड ऑथर्स की तरफ, और देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसीव द फर्स्ट कॉपी ऑफ बुक डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर व्यक्ति नहीं संकल्प, तो इस किताब को प्रेसिडेंट ने रिसीव किया, और किताब का नाम क्या है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर व्यक्ति नहीं संकल्प। नीतीश कुमार ने 3 बुक्स को लॉन्च किया महात्मा गांधी के चंपारण मूवमेंट के ऊपर, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार रिलीज 3 बुक्स बेस्ड ऑन महात्मा गांधी चंपारण मूवमेंट। नीतीश कुमार रिलीज द बुक्स टाइटल मिस्टर एम के गांधी की चंपारण डायरी रिटन बाय अरविंद मोहन, चंपारण आंदोलन 17 एडिटेड बाय आशुतोष परथेश्वर, पीर मोहम्मद मुनीस कलम का सत्याग्रही कलेक्टेड एंड एडिटेड बाय श्रीकांत। देन ऑबिटरीज, लास्ट कैटेगरी ऑबिटरीज, किन लोगों की अभी रिसेंटली मृत्यु हुई है जिसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वेटरन फिल्म डायरेक्टर सीवी राजेंद्रन पासेस अवे, तो चेन्नई के हॉस्पिटल में तमिल के डायरेक्टर सीवी राजेंद्रन की मृत्यु हुई रिसेंटली। देन फॉर्मर मणिपुर सीएम आर के दोरेंद्रा सिंह पासेस अवे। देन आगे चलेंगे, फॉर्मर यूएस फर्स्ट लेडी बारबरा बुश डाइड, सीनियर बुश की पत्नी और जॉर्ज डब्ल्यू बुश की मम्मी बारबरा बुश की रिसेंटली मृत्यु हुई है, इनके बारे में जरूर करिएगा। देन नर्सेस किरो किरण, साइंटिस्ट दैट मेड फर्स्ट एवर एटम बम, पहला एटम बम बनाने वाले वैज्ञानिक नर्सेस किरो किरण का देहांत हुआ है, और ये मैनहट्टन से बिलोंग करते थे, तो इनका ये डेथ हुआ है यहां पर। फॉर्मर दिल्ली हाईकोर्ट चीफ जस्टिस राजेंद्र सचर, उनका देहांत हुआ है रिसेंटली। देन भीमसेन खुराना पासेस अवे, इंडियन एनिमेशन पायनियर एंड मल्टीपल नेशनल अवार्ड विनर भीमसेन खुराना पास्ड अवे, तो सिनेमा मूवमेंट का जनक इनको कहा जाता है हमारे इंडिया के अंदर, और एनिमेशन का पायनियर कहा जाता है इनको, भीमसेन खुराना का देहांत हुआ रिसेंटली 82 ईयर्स में। वेटरन जर्नलिस्ट एस निहाल सिंह 88 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हुआ है, पत्रकारिता फील्ड से बिलोंग करते थे, और फाउंडिंग एडिटर ऑफ इंडियन पोस्ट इन 87, अलग अलग न्यूज़पेपर में भी इन्होंने काम किया हुआ है। एस निहाल सिंह, फॉर्मर जर्नलिस्ट, 88 इयर्स की उम्र में इनका निधन। इसी के साथ आज का ये खूबसूरत शो जो है वो समाप्त होता है नॉनस्टॉप, बिल्कुल राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से। इसके तुरंत बाद टेक्निकल टीम मुझे श्योर करे क्या शो होगा वो कैप डोज का,
बिल्कुल होगा वोकैब डोज का शो और तुरंत इसके बाद हम वोकैब डोज के लिए मिलेंगे। आप सभी के पेशेंस और इस ध्यान से सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद और मैं आपके लाइव चैट को जरूर पढ़ूंगा और आपके नाम को अप्रिशिएट करूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर जिन्होंने भी इसका अच्छे अच्छे से रिप्लाई दिया होगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मंडे को मिलेंगे, शनिवार और रविवार, सैटरडे और संडे की खबर को लेकर, दोनों दिन की खबर को लेकर मिलेंगे। कब हम तो मिलेंगे मंडे को सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स द वेकअप शो के अंदर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।